हेलो फ्रेंड्स मैं हिमांशु था पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला पे आज एक बहुत ही बढ़िया पहल प्रारंभ हो रही है एक बहुत न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और वो आपने थंबनेल में देख ही लिया है यहां पर हम लोग आज करने जा रहे हैं स्टार्ट जीसी लियोंग और ये जीसी लियोंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज मतलब कि कोई भी चीज को हड़बड़ी में नहीं करने वाले हैं सभी चीज को एक एक चैप्टर को हम लोग बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं और यह हमारा जो चैप्टर है आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने वाला है तो आई होप आप सभी लोग यहां पर जुड़ गए हैं और मैं चाहता हूं आप लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये जो इनिशिएटिव पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला ने लिया है वो सभी तक पहुंचे सभी बच्चे इससे जुड़कर लाभ ले पाए तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस लिंक को शेयर करें और आज हम लोग जो जीसी लियोंग को कवर करने वाले हैं वो हम लोग पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं ठीक है और हमारा फिजिकल ज्योग्राफी जो यूनिट है वो पार्ट वन आज स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अर्थ एंड द यूनिवर्स तो सभी लोग जितने लोग हैं सबको बहुत बहुत वेलकम बहुत बहुत वेलकम हम लोग इतना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जितने लोग हैं सभी लोग जुड़ जाइए ठीक है तो आपको मैं ये भी बता दे रहा हूं कि यहां पर केवल इंग्लिश में नहीं है आप लोगों के लिए यहां पर मेहनत करी गई है और यहां पर जीसी लियोंग की पीडीएफ में हिंदी को भी इंक्लूड करा गया है ताकि जो बच्चों की शिकायत है कि सर आप इंग्लिश बैच में केवल इंग्लिश में बात करते हैं तो यह भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारी चीजें मिलने वाली हैं ठीक है तो आइए हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं लेकिन यह भी मैं बता दूं आपको कि ये जो हम लोग पार्ट कर रहे हैं जो पहला चैप्टर कर रहे हैं ये आपको हेल्प कहां करने वाला है ये जो है बेसिकली मेंस में ये चैप्टर नहीं आता है इसमें से जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं इसको बहुत अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये आपको मेंस में नहीं दिखने वाला है मेंस में आपको ये चैप्टर पर्टिकुलरली नहीं दिखेगा इसमें क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे प्रीलिम्स में मिलेंगे तो आइए हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं दी अर्थ एंड यूनिवर्स ठीक है

उस पृथ्वी से कहीं बड़ा है जिस पर हम रहते हैं इनमें से कुछ बड़े तारों का आकार पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा होने का अनुमान लगाया गया है तो बेसिकली यहां पर बात क्या हो रही है कि जब आप एक रात में स्काई को देखते मैन एट नाइट यू लुक अप एट स्काई तो आपको क्या दिखता है आपको तारे ही तारे स्टार्स ही स्टार्स दिखते हैं क्या आपको मालूम है कि हमारा सन जो है वो भी एक स्टार है वो भी एक तारा है आपको बिल्कुल मालूम होगा कि सूर्य जो है वो भी एक तारा है ठीक है इसी तरीके से बहुत सारे हमको तारे नजर आते हैं और हम लोग सोचते हैं ये छोटे छोटे चमकते हुए तारे हैं परंतु आपको ये मालूम होना चाहिए बट यू नीड टू रियलाइज कि इनका साइज बहुत बड़ा है इनका साइज कई टाइम्स

क्या कहा गया है इस किताब में इस किताब में बोला गया है कि ये तारे नियमित रूप में अंतरिक्ष में बिखरे हुए नहीं हैं बिखरते नहीं हैं ये गुच्छों में होते हैं जिन्हें आकाश गंगा कहते हैं ठीक है या निहारिकाओं के रूप में ये दिखाई देते हैं प्रत्येक आकाश गंगा में प्रत्येक आकाश गंगा में हंड्रेड मिलियन तारे हैं तो यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर ये यह कह रहे हैं कि जो हमारी एक गैलेक्सी है एक गैलेक्सी है एक गैलेक्सी में आपके हंड्रेड मिलियन स्टार्स हैं समझ रहे हैं आप एक स्टार है आपका एक स्टार है जो कि है सन और उसके सराउंडिंग्स में एक सोलर सिस्टम है कितने सारे प्लैनेट्स हैं आप इमेजिन करिए एक गैलेक्सी में हंड्रेड मिलियन एक मिलियन बराबर दस लाख होता है दस लाख तारे हैं कैन यू इमेजिन ये कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स ठीक है और दूसरा क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी की अपनी आकाश में ही हमारे पास कितने हैं हमारे पास एक लाख मिलियन तारे हैं ठीक है जो हमारी गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है हमारी गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा या इसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वेव ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं मिल्की वेव बोलते हैं हमारे आकाश गंगा हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है आकाश गंगा इसमें एक लाख मिलियन तारे हैं बहुत सारे आपको तारे यहां पर देखने को मिल रहे हैं ठीक है यहाँ पर दूसरी चीज लिखी है द स्टार्स स्मॉल बहुत ज्यादा दूर है दी लाइट फ्रॉम दी नियरेस्ट स्टार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ लाइट दैट इज वन लाख एट्टी सिक्स वन लाख एट्टी सिक्स थाउजेंड माइल्स पर सेकेंड टेक समटाइम्स लाइक फोर इयर्स टू रीच रे ऑफ लाइट फ्रॉम दी सन takes about एट minutes to reach the earth. Light takes only a second to reach us from the moon. ठीक है याद रखिएगा कि यहां पर ये यह क्या कह रहे हैं यहां पर यह कह रहे हैं कि दूरबीन से भी तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं अगर हम दूरबीन से भी देखेंगे ना तो बहुत छोटे हमको तारे नजर आते हैं ठीक है अभी देखिए थ्योरिटिकल बातें हैं तो थ्योरिटिकल बातों को मैं पढ़ ले रहा हूं बाद में समझाने वाली बात आएगी तो नॉर्मली जैसे मैं स्लाइड में समझाता हूं बना के डायग्राम वैसे ही समझाऊंगा तो परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है ठीक है दूरबीन से भी तारे छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे बहुत दूर होते हैं निकटतम तारे से प्रकाश प्रकाश की गति में यात्रा करता है ठीक है जो कि है कितना एक लाख छियासी मील प्रति सेकंड हमें हम तक पहुंचने में इसको चार साल लग जाते हैं ठीक है यह बहुत बड़ी बात है मतलब कि चार साल लग जाते हैं आप सोचिए हमारे सन से अगर हम बात करेंगे हमारे सूर्य से अगर हम बात करेंगे तो सूर्य से जो लाइट आती है सूर्य से जो लाइट आती है वो कितना लेती है लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग आठ मिनट लेती है लेकिन सूर्य के बाद जो निकटतम तारा है वहां से रोशनी आने में हमको कितना लग जाता है हमको लग जाता है लगभग चार वर्ष फोर इयर्स हमको लग जाते हैं ठीक है प्रकाश को चंद्रमा से हम तक पहुंचने में केवल एक सेकंड लगता है जब सूर्य की लाइट चंद्रमा पे पहुंचती है वहां से टकरा के हम तक आती है उसमें केवल एक सेकंड लगता है ठीक है अब आप इमेजिन करिए कि, कि कितनी दूर होंगे तारे सूर्य से सूर्य के बाद जो सबसे निकटतम है उससे आने में केवल आपको चार साल लग जाते हैं इमेजिन करो कितनी कितना बड़ा यह ब्रह्मांड है हमारा ठीक है यहां पर दूसरी चीज आप बता दू मैं आपको कि सोलर सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें अपने सौर मंडल के बारे में बात करें तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर क्या है सभी ग्रह जो हैं वो घूम रहे हैं सभी ग्रह जो हैं वो घूम रहे हैं और इनको पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं उसको सोलर सिस्टम बोलते हैं या सौर मंडल बोलते हैं द सोलर सिस्टम कंप्राइज दन एंड इट्स नाइन प्लानिट अब ये याद रखिए ये पुरानी बुक है ये पुरानी बुक है तो इसमें नौ दिए हुए हैं प्लान लेकिन आपको यहां पर करेक्शन एक कर लेनी है क्या करेक्शन कर लेना है कि यहां पर नौ प्लानिट नहीं है एट जिसमें प्लूटो नहीं कराया जाता है उसको ड्रॉप या बोना ग्रह मानते हैं याद रखिएगा ये चीज आप अपडेट कर लीजिएगा कि जो हमारा प्लूटो है ठीक है प्लूटो को हम लोग ग्रह नहीं मानते हैं ग्रह नहीं मानते हैं ये बोना ग्रह कहलाता है ये क्या है ये बोना ग्रह है ये बाकी जैसे कई सारे बौने ग्रह हैं जिसे बोलते हैं डॉर्फ प्लानिट ठीक है वैसे ही ये कंसिडर होता है ये नॉर्मल हमारा जो फुल फ्लैश प्लानिट होता है उस प्लानिट की तरह कंसिडर नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है ये दूसरे प्लानिट के ऑर्बिट्स में एंटर कर जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए इसका एक ऑर्बिट फिक्स होना चाहिए जो कि दूसरे ऑर्बिट में प्लानिट को एंटर नहीं होना चाहिए अगर अगर कोई भी ऐसी बॉडी बॉडी कॉस्मिक जो दूसरे प्लानिट के ऑर्बिट में इंटरसेक्ट करे इंटर कर जाए वो बेसिकली नहीं कंसिडर करी जाएगी ठीक है तो याद रखिएगा प्लूटो प्लूटो जो है ये दूसरी ऑर्बिट में भी एंटर जा कर जाता है इसलिए इसको हम प्लानिट नहीं मानते हैं तो यहां पर ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट ठीक है दीर्घ वित्ताकार जिसको बोलते हैं लाइक अर्थ दे शाइन ओनली दर्थ रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ अर्थ तो यहां पर ये क्या कह रहा है इसको समझो यहां पर एक चीज मैंने आपको बताई प्लूटो के बारे में दूसरी चीज मैंने बताई कि यहां पर जो गैस है है ना जो गैस है आपके या आप कह सकते हैं जो छोटे पिंड आपको दिख रहे हैं ये कैसे बने ये गैसों के संघनन से बने याद रखिएगा कि जो भी आपको यह प्लानिट है इस बुक के हिसाब से ये क्या कहता है ये ग्रह के बारे में जब बात कर रहा है तो कह रहा है कि ये जो ग्रह हैं ये गैसों के संघनन से बने गैसों के संघनन से बने हैं ठीक है तो आप कह सकते हैं कंडेंसेशन बेसिकली ये कैसे बने हैं ये कंडेंसेशन से बने हैं गैसेस के कंडेंसेशन ऑफ गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लान ठीक है जो कंडेंसेशन है गैसेस का वो कंडेंस होते गए कंडेंस होते गए कंडेंस होते गए और उसकी वजह से क्या हुआ आपके प्लैनेट्स बन गए ठीक है ऐसा ये बुक कह रही है ऐसा ये बुक बता रही है ठीक है दूसरी क्या ये चीज कह रही है सभी ग्रह अंडाकार कक्षों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ऑब्वियस बात है जैसे मैंने बताया कि हमारा एक सूर्य है और सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो ग्रह क्या कर रहे हैं वो ग्रह बेसिकली चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी की तरह वह भी सूर्य के परिवर्तित परावर्तित प्रकाश में चमकते हैं तो एक चीज आप समझ लीजिएगा ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना है कि जो प्लैनेट्स है प्लैनेट्स की क्या अपनी लाइट होती है नहीं होती है ठीक है यह चीज इंपॉर्टेंट है आपको आप यहां पर लिख लीजिएगा कि प्लैनेट्स ठीक प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर डू नॉट हैव देयर ओन लाइट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट तो यहां पर आपको समझ लेना है कि जो प्लैनेट है उनका खुद का प्रकाश नहीं होता उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है स्वयं का प्रकाश नहीं होता है चीज आपको जो है समझ लेनी है स्वयं का प्रकाश नहीं होता है ठीक है तो ये कैसे हमको दिखते हैं ये कैसे चमकते हैं या दूर से कैसे नजर आते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट के माध्यम से नजर आते हैं जो जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है जो सन इस पे चमक रहा है उसके रिफ्लेक्शन से ये हमको क्या हो रहा है नजर आ रहे हैं यही चीज इसमें बताई गई है ठीक है द सन हैज सरफेस टेम्परेचर ऑफ सिक्स थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है अब याद रखिएगा यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है क्या याद रखना है कि अगर हम बात करें सन की ठीक है तो सन में जो है सन में आपको आपको इस तरीके से कोर नजर आएगा ये आपका क्या है कोर है ठीक है सन में इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर रेडिएटिव जोन नजर आएगा जहां पर क्या हो रहा है रेडियो एक्टिव आपकी गतिविधि हो रही है रेडिएटिव जोन और फिर आपको नजर आएगा क्या फिर आपको नजर आएगा कन्वेक्टिव जोन नजर आएंगे फिर आपको क्या नजर आएगा कन्वेक्टिव जोन नजर आता है संवहनीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन या क्षेत्र जिसको बोलते हैं और सबसे बाहरी सतह जो है जो आप कह सकते हैं जैसे अपने पृथ्वी पे क्रस्ट है जैसे अपने अर्थ पे क्रस्ट है वैसे ही इसका जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसको हम क्या बोलते है? बोलते हैं हैं है ना जो सन का आउटर मोस्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं फोटोस्फेयर बोलते हैं और इस फोटोस्फेयर का टेम्परेचर यहां पर बताया गया इस फोटोस्फेयर का टेम्परेचर कितना है सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड है यहां पर कितना है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है इस सन का टेम्परेचर सूर्य का टेम्परेचर ठीक है एंड इट इंक्रीजेस टू 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इन दी इंटीरियर और इनफैक्ट कोर में अगर हम लोग बात करें तो यह बता रहा है कि बीस डिग्री मिलियन ठीक है सॉरी बीस मिलियन डिग्री ठीक है एक मिलियन बराबर कितना टेन लाख और यहां पर तुम इमेजिन कर सकते हो कि सन का टेम्परेचर इंटरनल

टेम्परेचर है ठीक तो है इन साइज द सन इज ऑलमोस्ट अन इमेजिनेबल इट इज अबाउट है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि ये का तीन लाख गुना बड़ा है यह पृथ्वी का क्या है से तीन लाख गुना बड़ा है तो आप इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते ये इतना बड़ा है यह चीज आपको समझनी है ठीक समझ है यह चीज आपको समझनी है ठीक ये चीज आपको समझनी है अब आप यहां पर जो नोट्स के बारे में बात करें तो आपको नोट्स बनाने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है ठीक है इसलिए नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर पूरी चीज जो है मैं आपको समझा रहा हूं ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस पीडीएफ ये पीडीएफ आपकी एक तरीके से बुक है आप बुक को समझ सकते हैं ठीक है, है? आ, अच्छा सोलर फ्लेयर के बारे में मैं बता दे रहा हूं आपको सिंस आपने पूछा है तो सोलर फ्लेयर के बारे में बता दे रहा हूं जैसे सन है आपका सन ठीक है सन है ये राइट अब सन के इंटरनल क्या होता है सन के इंटरनल कोर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है कोर में क्या होता है बहुत ज्यादा एनर्जी होती है ठीक है सन के कोर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है अब जैसे आप जानते हैं कि ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फोटोस्फेयर इसको क्या बोलते हैं फोटोस्फेयर बोलते हैं ठीक है प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर इसको बोलते हैं अब ये वाला जो पार्ट है ये आउटर मोस्ट आपका पार्ट है ये क्या है आउटर मोस्ट पार्ट है अब इसमें कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ठीक है जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो आप सपोज करिए कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रेट है न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रेट है है ना वो क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन का रेट ज्यादा है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन का रेट ज्यादा होगा वहां पर एनर्जी ज्यादा निकलेगी ठीक है और ये एनर्जी जो है ये एनर्जी आपका क्या होती है बाहर निकलती है और ये इतनी ज्यादा है कि ये हमको कैसे नजर आती है ये हमको बेसिकली इस तरीके से एक जिसको बोलते हैं ना लपटे आग की आग की लपटो की तरह निकलती नजर आती है ठीक है और ये इतनी बड़ी होती है ये इतनी बड़ी होती है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी इफेक्ट कर देती है ये जो सोलर फ्लेयर है ये याद रखिएगा जो ये सोलर फ्लेयर है ठीक है ये सोलर फ्लेयर क्या करता है अर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या मैंने बताया आपको मैंने यहां पर बताया जो सौर पवन है ये सौर पवन क्या कर रहे हैं पृथ्वी के सौर पवन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं यह चीज याद रखिएगा ठीक है यहां पर क्या कर रहे हैं यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं कर रहे हैं यह इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं क्लियर है बात यहां तक ठीक है तो यहां पर आप लिख सकते हैं सोलर फ्लेयर के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं यहां पर तो प्लैनेट्स के बारे में अगर हम लोग कर लें बात प्लैनेट्स के बारे में बात कर लें तो कुछ प्लैनेट्स के बारे में यहां चीजें दी हुई हैं इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं प्लैनेट्स को आगे देख लेते हैं हम लोग ठीक है ये आपके सामने यहां पर आपको इमेज नजर आ रही है ये इमेज बड़ी ब्यूटीफुल इमेज आपको नजर आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि यह है हमारा सन ठीक है दिस इज आर सन ये हमारा क्या है सन है ठीक है यह हमारा सन है अब यहां पर सन के पास यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज आपको क्या नजर आ रही है मरकरी नजर आ रही है सबसे पहली चीज आपको क्या नजर आ रहा है मरकरी नजर आ रहा है जो कि सन के सबसे पास है तो इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं मरकरी के बारे में है ना हम लोग कुछ चीजें जो है जिसको आप बोलते हैं बुद्ध ग्रह बुद्ध ग्रह के बारे में हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं कुछ चीजें लिख लेते हैं है ना जो आपके नोट्स भी बनते रहेंगे जिनको नोट्स बनाना है वो नोट्स बनाते रहेंगे मेरे साथ पहली चीज आपको क्या करना है यह सूर्य के सबसे निकट है यह सूर्य के सबसे निकट है ठीक है तो आप लिख सकते हैं कि दिस इट इज क्लोजेस्ट टू सन। तो पहली चीज तो यह, कि ये कि इट इज क्लोजेस्ट टू सन, ये पृथ्वी के ये सॉरी ये सूर्य के सबसे निकट है दूसरी चीज मैं आपको बता दूं क्या कि ये जो रिवॉल्व हो रहा है मतलब जो आपका सन है ये इस तरीके से सन है और ये सन के चारों ओर जो आपका ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है मरकरी है ना उसमें कितना दिन लग रहा है तो यहां पर लिख लीजिए यह अट्ठासी दिन अट्ठासी दिन में परिक्रम मरण परिक्रमण करता है सूर्य का परिक्रमण करता है अट्ठासी दिन में सूर्य का परिक्रमण करता है लिख लो सूर्य का परिक्रमण करता है यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परिक्रमण करता है ठीक है यहां पर लिख लिए सूर्य का परिक्रमण करता है तो आप लिखेंगे क्या इट टेक्स एट्टी एट डेज टू रिवॉल्व अराउंड टू रिवॉल्व अराउंड right नाउ दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड ये आपको याद रखना है कि ये बहुत पास होता है दूसरी चीज आपको एक चीज और रखनी है कि जो मरकरी है इट हैज नो सेटेलाइट ठीक है इसके उपग्रह नहीं है इसके उपग्रह नहीं है ये याद रखिएगा इसके उपग्रह नहीं है ठीक है और याद रखिएगा कि ये जो है ये एक टेरेस्ट्रियल प्लानिट है ये क्या है टेरेस्ट्रियल प्लान है यह भी इंपॉर्टेंट है यह क्या है ये एक पार्थिव पार्थिव ग्रह है मतलब यहां पर आपको भूमि नजर आएगी यहां आपको लैंड नजर आएगा जबकि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जैसे कि जुपिटर सैटन यूरानस नेपच्यून ये सब गैशियस हैं। है ना लेकिन जो आपको मरकरी दिख रहा है ये आपका क्या है यहां पर आपको भूमि नजर आएगी लेकिन एक चीज याद रखनी है क्या याद ये रखना है कि इसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है प्लानिट नहीं उपग्रह मतलब समझ लो जैसे हमारे अर्थ का मून है हमारे अर्थ का क्या है मून है राइट जैसे मार्स का फोबोस है है डिमोस वो उनके मून है है ना जैसे कि जुपिटर का बहुत बड़ा बड़ा उपग्रह उपग्रह है है जो कि सबसे बड़ा है, जिसको बोलते हैं वो जुपिटर का है।, है ना तो इस तरीके से यहां पर कोई भी उपग्रह नहीं है एक मरकरी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लीजिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिएगा क्या लिख लेना है आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत जरूरी है एंड दैट इज की यहां पर आप कह सकते हो कि यू नो टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस है ना इज मैक्सिमम या आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो कि डायोरनल डायोरनल टेम्परेचर डिफरेंस इज मैक्सिमम डायोरल टेंपरेचर डिफरेंस इज है ना इसको हिंदी में क्या बोलोगे हिंदी में बोलोगे कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है अब आप कह रहे होंगे कि सर ये क्या है ये तो बता दिए ये दैनिक तापांतर जो है ये होता क्या है भाई दैनिक तापांतर बहुत सीधी चीज है अगर आप एक दिन के बारे में बात करें जैसे आज का दिन है ठीक है तो आज के दिन में क्या हुआ होगा आज के दिन में आपका एक समय ऐसा आया होगा जब आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिला होगा है ना मैक्सिमम टेम्परेचर अधिकतम तापमान मिला होगा और दिन में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब आपको रात में बहुत ज्यादा ठंडा मिलेगा मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा है ना अब यह हो सकता है सपोज आप यह ले हम कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको कह ले कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यह क्या हो जाएगा इनके बीच का डिफरेंस 17, 27 18, वो क्या हो जाएगा आपका? है कि पे जो दैनिक तो बहुत ज्यादा नहीं है परंतु यहां पर अगर मैं बात करूं मरकरी के बारे में बात करूं क्योंकि सन के बहुत पास है सन के बहुत पास है ठीक है तो जब सन इसमें चमक रहा है जब सूर्य की रोशनी इसमें पड़ रही है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है मरकरी में बुध ग्रह में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और जब सन चला जाता है रात में ठंडी हो जाती है तो यहां पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है यहां पर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो दोनों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा हो गया ना दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर हो गया ठीक है यह चीज आपको थोड़ी सी समझनी है यह चीज थोड़ी सी आपको क्या है समझनी है ठीक है यह इंपॉर्टेंट है राइट right? तो यहां पर हमने बुद्ध के बारे में देख लिया अब हम लोग बात करें अगर यहां पर तो आप दूसरा प्लैनेट यहां देख सकते हैं सेकेंड प्लैनेट इज वीनस यहां पर सेकेंड प्लान वॉट सेकेंड प्लान इज वीनस ये हमारा जो है वीनस है है ना मरकरी के बाद क्लोजेस्ट कौन सा है मरकरी के बाद क्लोजेस्ट है वीनस तो आप यहां पर वीनस में लिख सकते हैं कि सेकेंड क्लोजेस्ट ठीक है दूसरे आप कह सकते हैं कि सूर्य से दूसरा सबसे निकट जो हमारा ग्रह है वो है वीनस अब एक चीज आपको बताऊं मैं वीनस के बारे में अगर हम लोग बात करें शुक्र जिसको आप बोलते हैं शुक्र ग्रह हिंदी में इसको शुक्र बोलते हैं है ना यहां पर कुछ फेमस चीजें हैं जो आपको समझनी है पहली चीज वीनस में आप क्या लिख सकते हैं यहां पर वीनस में आप यहां लिख सकते हैं कि यहां पर इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं है इसके भी कोई जो है सैटेलाइट्स नहीं है नो सैटेलाइट मतलब इनके भी उपग्रह नहीं है कोई भी जैसे हमारा चंद्रमा है वैसे इनके नहीं है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं बात करूं किसके वीनस के आकार के बारे में अगर मैं इसके बात करूं साइज के बारे में ठीक है तो साइज और आपका दव्यमान मतलब कि मास अगर मैं इसके मास के बारे में है ना मतलब कि जो इसका भार है वेट है वजन है और जो इसका आकार है ये बहुत सिमिलर है किससे आकार और जो हमारा दव्यमान है पृथ्वी के बहुत सिमिलर है ये अर्थ के जैसा है साइज भी इसके अर्थ के जैसा है इसका मास भी इस अर्थ के जैसा है और डेंसिटी भी लगभग अर्थ के जैसी है जैसे अर्थ की डेंसिटी होती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना वैसे ही इसकी भी डेंसिटी लगभग 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है इसीलिए क्योंकि यह अर्थ के बहुत सिमिलर है क्योंकि अर्थ के बहुत सिमिलर है दोनों बहुत सिमिलर है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स ठीक है ऑफ अर्थ तो याद रखिएगा ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ का भी

सबसे निकट पृथ्वी के सबसे निकट है ठीक है इट इज क्लोजेस्ट टू दी अर्थ ठीक है लिख लो इट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ इट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसके बारे में हमारे वीनस के बारे में ठीक है वीनस के बारे में यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ के बारे में तो पूरी चर्चा ही करनी है हमको पूरा समझना ही है यहां पर उसके बाद आता है आपका मार्स ठीक है मार्स आपका आता है यहां पर जो कि अर्थ से छोटा है अर्थ से छोटा है इन साइज है ना अर्थ जो है हमारा अर्थ मार्स से बड़ा है अर्थ जो है वो मार्स से बड़ा है इनफैक्ट अर्थ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूं इन टर्म्स ऑफ साइज तो अर्थ हमारा क्या है फिफ्थ लार्जेस्ट है ठीक है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है याद रखिएगा किसके बाद सबसे बड़ा आप देख सकते हैं जुपिटर है उसके बाद आप देख सकते हैं सैटन है उसके बाद आप देख सकते हैं यूरेनस है उसके बाद आप देख सकते हैं नैपच्यून है यहां पर ठीक है तो याद रखिएगा बृहस्पति शनि अरुण और वरुण इनके बाद पांचवा जो सबसे बड़ा है वो हमारा क्या है वो हमारा अर्थ है ठीक आप यहां पर ये जो देख रहे हैं मार्स अर्थ वीनस और मरकरी ये जो पांचों हैं या सॉरी ये जो चारों हैं ये चारों क्या कहलाते हैं एक साथ टेरेस्ट्रियल प्लान कहलाते हैं ठीक है इनको हम क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं मतलब आपको यहां पर यहां पर भूमि भी मिलेगा जल भी मिलेगा पानी भी मिलेगा परंतु ये जो आप देख रहे हैं चारों ये जो आप चारों देख रहे हैं ये चारों क्या कहलाते हैं ये चारों कहलाते हैं हमारे गैसीय ग्रह ये क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं गैसीय ग्रह मतलब यहां पर आपको जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है गैस है टेरेस्ट्रियल यहां पर चीजें नहीं है जबकि हम लोग ये जो देख रहे हैं आप चार ये चार इनको नोट करके लिख लेना ठीक है इनको नोट करके लिख लेना कि मरकरी शुक्र जिसको बोलते हैं बुध ठीक है वीनस जिसको बोलते हैं शुक्र आपका जो मार्स हो गया ठीक है और अर्थ अर्थ और मार्स हो गया ये क्या है पार्थिव ग्रह है ये कौन से हैं चारों ये पार्थिव ग्रह हैं तो इसको लिख लो बेटा कहीं पर भी इसको क्या लिख लो ये टेरेस्ट्रियल है ये टेरेस्ट्रियल ठीक है देखिए यहां पर वीनस के बारे में मैंने आपको लिखा दिया अभी वीनस में कुछ और चीजें आपको लिखवा देता हूं ठीक है जहां पर हम लोग बुद्ध कर रहे हैं वहीं पर वीनस के बारे में भी कुछ चीजें लिख लेते हैं हम लोग ठीक है जो मैंने आपको शुक्र के बारे में नहीं बताया जो आपको मालूम होना चाहिए एज एन एस्पिरेंट ठीक है वीनस के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए एक तो मैंने आपको यह बता दिया कि वीनस जो हमारा है ये अर्थ के सिमिलर है इसलिए हम ट्विन सिस्टर बोलते हैं जुड़वा बहन बोलते हैं इसको हम। क्योंकि ये हमारा ट्विन सिस्टर कहलाता है दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है लेकिन यहां पर आपको बताऊं कि वीनस को हम लोग क्या बोलते हैं इट इज नोन एज प्रेशर कुकर ऑफ दी सोलर सिस्टम ठीक है ये चीज याद रखिएगा इट इज नोन एज प्रेशर कुकर ऑफ दी सोलर सिस्टम हिंदी वाले लिख लें सौरमंडल का सोलर प्रेशर कुकर कहा जाता है हिंदी वाले लिख लें लेंडल का सोलर सॉरी प्रेशर कुकर कहा जाता है तो ये क्या है सोलर सिस्टम जो है आपका सोलर सिस्टम का प्रेशर कुकर आप बोलेंगे सर क्यों है ऐसा तो आप यहां पर मेरा अगर लेक्चर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर कहीं ज्यादा हो जाए इफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर तो क्या हो सकता है यह आपको समझ में आनी चाहिए बात क्या हो सकता है ऑब्वियस बात है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा कहीं पे तो वहां पर जो टेरेस्ट्रियल हीट है वो ट्रैप होगी है ना तो यहां पर आपको क्या लिखना है याद यहां पे जो है वो टेरेस्ट्रियल हीट टेरेस्ट्रियल हीट क्या होगी टेरेस्ट्रियल हीट Will be trapped more. Obviously बात है अगर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है विल बी ट्राव्ड मोर तो ये हम लिख सकते हैं हिंदी में लिख सकते हैं कि जो पार्थिव विकरण है जो पार्थिव ऊषमा है वो ज्यादा फंसी रह जाएगी ग्रह में तो आप सोचो प्रेशर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दिन में जब आपका सूर्य पड़ा सूर्य तो यहां से पास है सन तो यहां से बहुत क्लोज है आप इमेजिन करिए सन एक तो क्लोज है तो सन से क्या हो रहा है जो लाइट आ रही है फिर से समझना ध्यान से सन से सन जो लाइट आ रही है वो हमारे प्लैनेट को गर्म कर दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड इज यू नो उसका अमाउंट इज मच मोर और यहां पर आप जानते हैं कि जो सोलर रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा आ रही होगी और बहुत ज्यादा इसमें हीट होगी क्यों हीट होगी

टेरेस्ट्रियल हीट निकलेगी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में और ये टेरेस्ट्रियल हीट जो बहुत ज्यादा हीट है जिसमें वो यहीं पर क्या हो रही है ट्रैप हो रही है क्यों ट्रैप हो रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है वो वहीं पर फंसा दे रहा है इसको तो सोचो प्रेशर कुकर की तरह हो रहा है है ना एकदम जैसे उबल रहा है आप एक तरीके से कह सकते हैं ये है वीनस की खूबी अच्छा वीनस के बारे में एक और आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दू क्या वीनस के बारे में आपको एक चीज समझ लेनी है वीनस में बहुत ज्यादा ये कह सकते हो तुम्हारा क्या कि इट इज दी ब्राइटेस्ट ब्राइटेस्ट प्लानिट ऑफ सोलर सिस्टम ब्राइटेस्ट प्लान ऑफ सोलर सिस्टम एक और चीज ठीक है यहां पर जो आपको मालूम होनी चाहिए ठीक है क्या कि ये सौर मंडल का सौर मंडल का ये भी चीज लिख लो ये सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा है सबसे चमकीला तारा है सबसे चमकीला तारा, सबसे तारा ये और लिख लो तुम यहां पर

इसका अलबीडो कितना है सेवेंटी परसेंट इसका क्या है अलबीडो है इसका 70 है और अल्बीडो के बारे में मैंने क्लाइमेटोलॉजी में पूरा बताया मतलब रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है सन पे पड़ा और सन से रिफ्लेक्ट हो रही है बहुत रोशनी तो बताओ कोई चीज अगर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है क्या हमको ये नजर नहीं आएगी बिल्कुल नजर आएगी तो ये क्या है ये हमारा ब्राइटेस्ट स्टार भी है दूसरी चीज एक याद रखिएगा दूसरी चीज याद रखिएगा कि जैसे हमारा यहां पर आप देखिए यहां पर आपको देखना है ठीक है इसके बाद अगर हम यहां पर देखेंगे तो आपको एक चीज समझनी जरूरी है यहां पर क्या समझना जरूरी है कि यहां पर है हमारा अर्थ है ना यहां पर है हमारा अर्थ दिस इज आर अर्थ ये हमारा अर्थ है और ये है सन ये है सन ठीक इसके बीच में इसके बीच में सन और इसके बीच में आपको दो तारे नजर आ रहे हैं दो आपको सॉरी दो प्लान नजर आ रहे हैं आपको नॉट तारा दो ग्रह नजर आ रहे हैं ठीक है वीनस और हमारा मरकरी तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो वीनस और मरकरी है ना ये वीनस और मरकरी हमको सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय दिखते हैं सनराइज और सनसेट के समय दिखते हैं ठीक है ये याद रखिएगा हमको कि जो खासकर वीनस है खासकर जो हमारा वीनस है ठीक है वीनस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वीनस हमें क्या है इवनिंग में भी दिखता है और मॉर्निंग में भी दिखता है इसीलिए इसको इवनिंग एंड एंड मॉर्निंग स्टार कहते हैं इसे क्या बोलते हैं इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार बोलते हैं ठीक है याद रखिएगा ये इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी कहलाता है ठीक है हिंदी में पढ़ा तो रहा हूं मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं सारी चीजें हिंदी में पढ़ा रहा हूं कि ये जो है आपका ये शाम का मतलब कि भोर का और शाम का ठीक है ये दोनों का क्या है ये कहलाता है तारा ठीक चलिए तो ये हो गई बात अब आते हैं हम लोग अपने देखते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं यहां पर ठीक है, लेट्स uh, अंडरस्टैंड और उनको समझते हैं यहां पर लिखा हुआ है क्या कि प्लान जितने भी हमारे नौ ग्रह हैं उसमें मरकरी जो है मरकरी मरकरी स्मॉलेस्ट ये हमने अभी देख लिया मरकरी स्मॉलेस्ट है और ये क्लोजेस्ट है ये भी हमने देख लिया कितना ये हमारा है तो याद रखिएगा 36 मिलियन माइल्स अवे ये जो है ये 36 मिलियन माइल्स अवे है मतलब कि 36 मिलियन मील जो है ये दूर है इट दस कंप्लीट इट ऑर्बिट इन मच शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम अर्थ दर्थ ठीक है तो याद रखिएगा कि ये बहुत जल्दी क्या होता है बहुत जल्दी रिवॉल्व कर लेता है हमें सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 365 एंड वन फोर्थ डे लग जाता है लेकिन यहां पर ये जो है मरकरी ये डेज में अठासी दिन में केवल कर ले रहा है यार केवल एट डेज में कर ले रहा है ठीक है वीनस के बारे में बात करें अगर वीनस ट्वाइस डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन इज द नेक्स्ट क्लोजेस्ट प्लान हम लोगों ने देखा ये दूसरा सबसे निकटतम है इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन ठीक है ये हमने आपको बता दिया क्यों बिकॉज इट इज इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन साइज मास एंड डेंसिटी तो मैंने आपको ये तीनों चीज बताई कि हमारा जो साइज है मास है और डेंसिटी वीनस की है वो अर्थ के काफी सिमिलर है ठीक है यही चीज हिंदी में लिखी हुई है नौ ग्रहों में बुद्ध सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट है अब जानते हैं आप नौ यहां पर नहीं रह गए एट है आपके ठीक है केवल 36 मिलियन मील दूर है इस प्रकार यह पृथ्वी की तुलना में बहुत कम समय में अपनी कक्षा पूरी कर लेता है सूर्य के अराउंड है ना बुद्ध में एक वर्ष केवल दिन का होता है याद रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है है कि अर्थ जो एक दिन होता है, एक वर्ष मतलब क्या होता है एक वर्ष मतलब होता है सूर्य का चक्कर आप जब लगा रहे हैं सूर्य का चक्कर आप जब लगा रहे हैं उसको एक वर्ष बोलते हैं हमारे यहां तीन सौ पैंसठ एक बटा चौथाई दिन लगता है चक्कर कंप्लीट करने में यहां पर केवल अट्ठाईस दिन लग रहा है शुक्र सूर्य से दुगनी दूरी पर है अगला निकटतम ग्रह हम देख चुके हैं आकार द्रव्यमान और घनत्व में उनकी निकटता के कारण इसे पृथ्वी का जुडवा माना जाता है चीज हम लोग देख चुके हैं बट नो अदर प्लान इज इन एनी वे कंपेरिबल टू अर्थ विच हैज लाइफ एंड ऑल लिविंग थिंग्स वी सी अराउंड अस ठीक है लेकिन जुड़वा उड़वा जो भी बोल लो वो तो बोलना एक तरीके से बात हो गई अगर आप यहां पर अगर आप यहां पर बात करते हैं अर्थ की तो मैं बताऊं आपको अर्थ के बारे में अगर बात करेंगे तो अर्थ में वो है जो और किसी ग्रह में देखा नहीं गया है ठीक है लाइफ है यहां पर क्या है यहां पर जीवन है जो कि आपके और किसी ग्रह में देखने को नहीं मिलता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है थैंक यू भाई आ, किसी से कंपेरिजन ना करें आप लोग आप लोग स्टडी को इंजॉय कर रहे हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी और मैं अपने है ना तहे दिल से आप लोग का स्वागत करता हूं अपनी क्लास में और आप लोग को मजा आ रहा है उसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको डिटेल में पढ़ाने के लिए लाइक मेनी अदर प्लैनेट्स दी अर्थ हैज नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि आप दूसरे प्लैनेट्स हैं कई सारे प्लैनेट्स हैं जिनके पास एक नेचुरल आपका प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट है वैसे ही हमारा भी एक नेचुरल सैटेलाइट है उपग्रह है जिसको हम मून बोलते हैं जो कि दो लाख अड़तीस हजार नौ सौ नौ सौ मील दूर है हमसे टू लाख थर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड माइल्स अवे इज मून फ्रॉम अस है ना और वो हमारे पृथ्वी का चक्कर लगा अब एक चीज समझिएगा हम लोग किसका चक्कर लगा रहे हैं यहां पर है हमारा सूर्य यहां पर है हमारा सन हमारा सन जो है हमारा अर्थ जो है वो अर्थ चक्कर लगा रहा है किसका सन का चक्कर लगा रहा है हमारा अर्थ लगा रहा है सन का चक्कर और हमारा जो उपग्रह है जिसे आप बोलते हैं मून ये हमारे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और साथ ही साथ ऑब्वियस ही बात है फिर ये सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है लेकिन जो ये सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है वो कितने दिन में लगा रहा है याद रखिएगा ये पृथ्वी का चक्कर हर सप्ताह दिन में लगा रहा है

जो कि अब काम करना बंद कर चुका है जो कि इसरो ने भेजा था जो कि अब काम करना बंद कर चुका है ठीक है मच अटेंशन हैज बीन ऑन मार्ट टू एक्सप्लोर दॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सटेंडिंग मैं इन्फ्लुएंस टू इट नेक्स्ट कम्स जुपिटर द लार्जेस्ट प्लान सोलर सिस्टम देखिए इसमें ये बात बोली जा रही है क्या बोला जा रहा है इसको मोटे मोटे तौर पे समझ लो इसके मोटे मोटे तौर पे ये बोला जा रहा है कि यहां पर हो सकता है पॉसिबिलिटीज हो लाइफ की है ना लेकिन अभी तक मिला नहीं है ऐसा ऐसा मिला नहीं है इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है वहां उसका एटमोसफेयर नहीं है अगर एटमोसफियर नहीं होगा तो आप कैसे लाइफ को पॉसिबल बनाएंगे हालांकि नासा है ना वो कह रहा है कि हम यहां पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आपको जो है वो बना देंगे करंट में अगर आप समझ रहे होंगे तो बता रहे हैं वो कॉलोनीज बना देंगे यहां पर आर्टिफिशियल एटमोस्फेयर बना देंगे और लाइफ को पॉसिबल लाइफ को पॉसिबल करेंगे यहां पर खैर एनीवेज जो भी बात है हम जीसी लियोंग पे वापस आते हैं और जीसी लियोंग हमारा क्या कह रहा है कि जो उसके बाद मार्स के बाद प्लैनेट आता है वो है जुपिटर मार्स के बाद जो प्लैनेट आ रहा है वो क्या है जुपिटर है अब एक चीज समझिएगा मार्स और जुपिटर के बीच में भी एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है ठीक है यहां पर अगर आप देखेंगे ये छोटा सा मार्स है और ये बड़ा सा हमारा अगर जुपिटर है तो यहां पर आप देखेंगे कि इनके बीच में इनके बीच में इस तरीके से इस तरीके से आपको यहां पर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है है ना यहां पर आपको क्या मिलता है एक एस्टोरॉइड बेल्ट मिलती है ठीक है ये जो है एस्ट्रॉइड मतलब होते हैं शुद्ध ग्रह ठीक है ये क्या होते हैं आपके शुद्ध ग्रह होते हैं तो यहां पर आप कह सकते हैं इनकी एक पेटी है।, जो है, उनकी क्या दिख रही है एक पेटी दिख रही है ऐसा माना जाता है यहां पर पहले प्लानिट था कई ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो बिलीव करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्लानिट का रेमेनेंट है मतलब कि प्लानिट का अवशिष्ट है ग्रह का अवशिष्ट पार्ट है ग्रह यहां पर

कि जुपिटर हमारा लार्जेस्ट है है ना डिड वी सी दिस अच्छा आगे था सॉरी यहां देख लो यह हमने देखा कि जुपिटर आपको कितना बड़ा नजर आ रहा है जुपिटर बहुत बड़ा नजर आ रहा है आपको यहां पर ठीक है सबसे बड़ा इनफैक्ट नजर आ रहा है तो जुपिटर के बारे में एक चीज समझ लीजिएगा आप यहां पर क्या समझना है आपको इट्स सर्फेस इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेज लाइक हाइड्रोजन हीलियम एंड मीथेन तीन मेजर गैसेज आपको यहां समझनी है कौन कौन सी तीन मेजर गैसेज है एक तो आपका हाइड्रोजन है दूसरा हीलियम है और आपका फिर मीथेन है ठीक है ये आपके जो है इसके सरफेस में नजर आता है मतलब ये गैशियस प्लान है क्या हम नहीं कह सकते हैं ये गैसीय पिंड है ये गैसीय ग्रह बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारा ये जो है एक गैसीय पिंड है इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर प्लान बाई इट सर्कुलर लाइट एंड डार्क बैंड अराउंड दी ट्वेल्व सेटेलाइट दैट सर्कल अराउंड अब क्या है कि पहले जितनी भी खोज हुई थी ये जीसी सी लियोंग की जो किताब है ये बहुत पहले लिखी गई है है ना इसमें बहुत सारे अपडेट्स नहीं हुए हैं अभी ऐसा नासा मानता है कि इसके 80 80 सैटेलाइट्स हैं ऐसा मानता है इसके कितने सैटेलाइट्स हैं इसके 80 प्लस सैटेलाइट्स हैं इनफैक्ट 80 से ज्यादा इसके सेटेलाइट है अभी तक ये लोग जो है ये लोग अट्ठावन को नाम दे चुके हैं ये फिफ्टी को नाम भी दे चुके हैं तो ये जो है रिसर्च बढ़ती जा रही है और इसके सेटेलाइट बढ़ते जा रहे हैं हमारा तो केवल एक मून है है ना अगर हम मार्स के बारे में बात करें तो मार्स का क्या है फोबोस डीमोस मार्स का केवल इतना दो ही है आपके राइट right? लेकिन जुपिटर के 80 प्लस सेटेलाइट से है आपके ठीक है यहां पर ये क्या बात बोल रहा है कि एज इट इज मोर देन 485 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन इट्स सरफेस इज वेरी कोल्ड प्रॉबली अबाउट माइनस टू हंड्रेड डिग्री फेरानाइट मतलब कि माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर ये कह रहा है कि भाई देखिए ऐसा है कि यह सूर्य से बहुत दूर है ये जो हमारा जुपिटर है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम मीथेन जैसी गैसें मिल रही हैं लेकिन इसमें एक चीज ये बोल रहा है कि ये क्योंकि देख रहे हो चार मिलियन मील सूर्य से दूर है बहुत ज्यादा दूर है इसलिए लगभग यहां पर तापमान कितना माना जा रहा है लगभग माइनस टू डिग्री फेनानाइट माना जा रहा है तो जीवन तो यहां पर संभव हो ही नहीं पाएगा ठीक है ये हम लोगों ने कुछ बातें करी थी ट इज सैटन जिसको आप शनि बोलते हैं ठीक है एक और हमारा जो है आप कह सकते हो अद्भुत ग्रह है जिसको शनि बोलते हैं तो सही है, है वलय है, है इसके चारों ओर आप देख सकते हैं यहां पर है ना यहां पर अगर क्लियर होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो देख रहे हो ना ये ये जो देख रहे हो ये बने हुए हैं जो तो इस तरीके से आपको तीन वलय नजर आ रहे हैं तीन वलय तो हमें नजर आते हैं लेकिन यहां पर आपको जान के हैरानी होगी कि इसके जुपिटर से भी ज्यादा शनि के ठीक है सैटन के जुपिटर से भी ज्यादा आपको सैटेलाइट्स होने का दावा किया जा रहा है इसका मतलब अब ये जो है ये जो है आपके इतने कम जूटि आपके सैटेलाइट्स नहीं रहे दूसरी चीज शनि जो है जैसे यहां पर दिखा हुआ है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर के बाद तो ये हमको क्लियरली दिख रहा है ये हमने क्लियरली समझ ली है ठीक है ये हमें क्लियरली समझ में आ रही है ठीक है क्लास यूट्यूब में प्रोवाइड कराइए प्लीज सर हाँ तो भाई ये यूट्यूब में ही तो चल रही है क्लास यूट्यूब में ही तो मैं सारी क्लास ले रहा हूं है ना तो दूसरी चीज इट इज सो फार फ्रॉम सन दैट इट फाराइन ईयर्स ट्वेंटी नाइन ईयर्स टू कंप्लीट इट ऑर्बिट मतलब कि ये सूर्य का जो चक्कर है ये उन्तीस साल में लगा पा रहा है, है ना उनतीस साल में भारत में जो मतलब हम लोग ये जिसको एक साल मानते हैं उसका आप मतलब 365 सिक्सटी फाइव कर सकते हैं उतना साल लगा रहा है ठीक उसके बाद द सेवेंथ प्लान यूरानस वॉज नॉट नोन टू एस्ट्रोनॉमर्स अंटिल द लेट 18th सेंचुरी when इट was फर्स्ट सीन एज अ फेंट bluish ग्रीन डिस्क ठीक है तो पहले भाई रिसर्च धीरे धीरे हमारे जो टेलीस्कोप है हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स है जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे क्या हुई धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई अच्छी हुई और उसमें हमें देखने को मिला कि जो हमारा यूरेनस है जिसको अरुण बोलते हैं हम वो हमारा क्या हुआ अरुण जो है अठारवी शताब्दी के अंत आते आते हमको पता चला जब यह हमको एक हरे नीले डिस्क की तरह नजर आया ठीक है इसके बाद अगर हम लोग बात करें इट इज अनदर जैन प्लान ऑब्वियसली बात है ये बहुत बड़ा जाइन प्लान है 50 टाइम्स लार्जर देन अर्थ तो ये याद रखो कि लगभग पृथ्वी से जो हमारा अरुण है यूरेनस है वो पचास गुना ज्यादा बड़ा है अनलाइक अदर प्लान यूरेनस अराउंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूरेनस जो हमारा है वो क्या कर रहा है वो यूरेनस ऑर्बिट जो है वो सन के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं अराउंड अदरवाइज सारे क्या करते हैं सारे हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं द टू आउटर मोस्ट प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम नेपच्यून एंड प्लूटो तो प्लूटो तो अब है ही नहीं ठीक है डॉर्फ प्लान वहां गए तो नेपच्च्यून जो है ये आप कह सकते हैं क्या है हमारा आउटर मोस्ट प्लैनेट सबसे बाहरी ग्रह सबसे बाहरी ग्रह है जो कि नेपच्यून से क्या है विजिबल जो हमें विजिबल हो पा रहा है टेलीस्कोप से ठीक है तो यहां पर आप कह सकते हैं ये तो बहुत ज्यादा दूर है यह बहुत ज्यादा पृथ्वी से दूर है और अगर नेपच्यून के बारे में हम लोग बात करें तो साइज में तो लगभग उतना ही बड़ा दिखता है ये है ना और बहुत ज्यादा ये क्या है ठंडा है क्योंकि इसकी दूरी बहुत ज्यादा है सूर्य से ठीक है इसकी दूरी बहुत ज्यादा है सूर्य से और अभी तक जो हम लोग यहां पर बता रहे हैं जब डीसी लिखी गई थी तो दो सेटेलाइट थे लेकिन इसके भी दो सेटेलाइट से ज्यादा सेटेलाइट नजर आ रहे हैं प्लूटो के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि प्लूटो जो है वो अब हमारा ग्रह नहीं रह चुका है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर ठीक है यहां पर हम लोग आगे देखते हैं अब आती है बात बड़ी इंपॉर्टेंट क्या शेप ऑफ दी अर्थ अब आता है क्या शेप ऑफ दी अर्थ पृथ्वी पर अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी का हमारा जो है शेप कैसा है तो आप बताइए कमेंट करके पृथ्वी का शेप कैसा है पृथ्वी का शेप अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा कि पृथ्वी का शेप जो है ऑलमोस्ट स्फेरिकल है लेकिन ये ऊपर से क्या है ऊपर से चपटा है इसलिए से हम क्या बोलते हैं जुआइड बोलते हैं है ना तो आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट ये जो है पृथ्वी का आकार वो शेप हमारा यहां पर थोड़ा सा चपटा है इधर थोड़ा सा चपटा है और इधर थोड़ा सा बल जलिए हुए इक्वेटर पर थोड़ा सा क्या है ऐसा बल जलिए हुए क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ये क्या हो रहा है रोटेट कर रहा है अगर आप लोगों ने थोड़ा सा क्रिकेट खेला होगा या अभी कभी आप लोग जो वो एक बॉल आती है जिसको हम लोग बोलते थे किरमिच की गेंद किरमिच की बॉल बोलते थे है ना जिसको राधर टू बी यू नो राधर वेरी सिंपली हम इसको बोल सकते हैं टेनिस बॉल तो जो टेनिस बॉल आती थी कॉस्को की उसको जब आप थ्रो करते थे जब आप उसको फेंकते थे बड़े मैदान में बहुत स्पीड में तो कभी का वो क्या होता था जब पड़ती थी तो वो यूं नाचने लगती थी बहुत स्पीड में और जो वो नाचती थी तो वो क्या हो जाती थी चपटी हो जाती थी ऊपर से और फैल जाती थी है ना तो हमारा अर्थ भी हमारा अर्थ भी जो है वो क्या हो रहा है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रहा है ये हमको मालूम है अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रहा है इसकी वजह से जो इसके नॉर्दर्न और सदर्न नॉर्दर्न और सदर्न साइड है है ना जो ऊपर और नीचे के साइड है वो क्या हो रहे हैं वो चिपक जाते हैं फ्लैट हो जाते हैं और इसका जो यहां पर देख सकते हैं आप इक्वेटर वाला पार्ट है वो क्या होता है बल्ज जा आ जाता है वो थोड़ा सा फूल जाता है निकल जाता है बल्ज निकल जाता है और इसी शेप को हम क्या बोलते हैं इसी शेप को हम बोलते हैं जियोइड इसी शेप को हम क्या बोलते हैं जियोइड शेप बोलते हैं ठीक है तो अगर कोई पूछे अर्थ का शेप क्या है तो आप बोलेंगे जियोइड ठीक है ये चीज आपको बहुत क्लियरली याद रखनी है कि अर्थ का शेप जियोइड है अब क्या है कि पहले जो लोग थे वो मानते थे कि अर्थ हमारा फ्लैट है यहां पर ये यह सारी कहानी जो है वो आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ओल्डन डेज में लोग जो शिप सेलर्स थे है ना जो नाव चलाते हैं वो घबराते थे आपको मालूम है वो घबराते थे कहते यार ऐसा ना हो कहीं हम उस पार जाए और सीधे डूब जाए मतलब वो पृथ्वी को कुछ ऐसा मानते थे वो पृथ्वी को कुछ ऐसा मानते थे कि हमारी नाव जो है वो नाव चल रही है और कहीं यहां पर हम आके हमारी नाव जो है वो गिर ना जाए हमारी नाव गिर ना जाए मतलब कि पृथ्वी का एक अंत है तो ये जो पानी है ये पानी समाप्त हो जाता है और उसके बाद आप कहीं गिर जाएंगे और कहा गिरेंगे कुछ मालूम नहीं है ऐसा मानते थे वो कि अर्थ जो है वो फ्लैट है दे बिलीव डॉट कि अर्थ इज फ्लैट उनका ये कॉन्सेप्ट था और ये बहुत सालों तक लोगों को लगता रहा कि अर्थ इज फ्लैट इनफैक्ट बहुत सारे हमारे जो इंस्टीट्यूशन है ठीक है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है यूरोप में वो भी अर्थ को फ्लैट मानते थे बट ऐसा है नहीं हमारा अर्थ जो है वो कैसा है वो गोलाकार है स्फेरिकल है नेचर में कैसा है स्फेरिकल है नेचर में और इसके कुछ जीसी लियोंग ने बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझाया जैसे आपके तो कोई बच्चा पूछे कि सर ये अर्थ जो हमारा है स्फेरिकल है इसको आप कैसे कह रहे हैं ये कि अर्थ स्फेरिकल है ठीक है तो यहां पर आप एक चीज में बता दू आपको कि कुछ चीजें हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनसे हमको पता चलता है कि अर्थ एस्फेरिकल है जैसे कि आई नो देर हैज बीन सो मच रिसर्च डन ऑन अर्थ साइंस दैट इट्स वेरियस डायमेंशन हैव बीन एक्यूरेटली फाउंड पहली चीज तो बहुत सारा रिसर्च हो गया है बहुत सारा शोधन हो गया है और इस शोधन में हमको पता चला है कि हमारी पृथ्वी जो है वो स्पेरिकल है वो कैसे ये हम देख लेते हैं ठीक है लेकिन यहां पर कुछ डेटा है वो थोड़ा सा डेटा आप याद रखिएगा इसमें बोला गया है कि जो इक्विटोरियल सरकम है हमारा ठीक है तो विश्वत रेखी पे विश्व रेखा पे जो हमारा सरकम फ्रेंस है वो सरकम फ्रेंस कितना है तो याद रखिएगा चौबीस हजार आठ सौ संतानवे मील ठीक है ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट सेवन मील्स क्या है हमारा सरकम फ्रेंस है और पोलर सरकमफ्रेंस जो है जो ध्रुवो ध्रुवो अगर हम मैं बात करूं मैं ऐसे पृथ्वी हमारी ऐसी है ठीक है तो अगर मैं ऐसे बात करूं सरकम की ठीक है मतलब चारों ओर इक्वेटर पे तो हमारा कितना निकल रहा है ट्वेंटी फोर था एट नाइनटी सेवन लेकिन जब हम यहां पर इस तरीके से इसका सर कंफ्रेंस देख रहे हैं पोल्स की तरफ से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है क्या कि पोल्स हमारे जो है वो एट्टी थ्री माइल्स क्या है कम है मतलब कि टू फोर एट नाइन सेवन में आप माइनस कर लीजिए एट्टी थ्री माइल्स इसका मतलब यही हुआ ना इसका मतलब यही हुआ कि यहां पर ये वाला बल्ज ज्यादा है ये वाला पार्ट आपका ज्यादा निकला हुआ है और ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा चपटा है जो मैंने आपको यहां पर डायग्राम में बताया कि ये वाला पार्ट क्या है आपका ये वाला पार्ट ज्यादा है और ये वाला पार्ट आपका कम है इसका मतलब अगर पृथ्वी के कोर से पृथ्वी के सेंटर से आप पोल्स पे जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे इक्वेटर के सेंटर पर जाने पर आपको टाइम लग जाएगा ठीक है ये चीज है यहां पर तो आगे देखते हैं हम लोग यहां पर चलिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है आगे देखते हैं ये इक्वेटोरियल डायमीटर कितना है अब देखिए आप डायमीटर समझते हैं व्यास डायमीटर मतलब व्यास होता है तो यहां पर ये आपका रेडियस है इधर आधा और इधर सर्कल का एक इधर ले लेंगे तो ये आर प्लस आर इज इक्वल टू वर्ड ये डायमीटर या व्यास कहलाता है और ये व्यास कितना है सात हजार नौ सौ छब्बीस माइल है यहां पर कितना है ये सात हजार नौ सौ छब्बीस माइल है ठीक है एंड इट्स पोलर डायमीटर इज शॉर्टर बाई ट्वेंटी सिक्स माइल तो डायमीटर भी अगर हम देखेंगे अगर हम डायमीटर भी पोल का देखेंगे तो ये वाला जो आपका डायमीटर है ये छोटा है यह वाला एरिया ये वाली लेंथ आपकी क्या है यह बड़ी है इसका मतलब सिंपल सा है यह है दिस सिंपली शोज दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्पेयर समझ में आई बात आपके इसका मतलब क्या है कि हमारी पृथ्वी जो है वो शुद्ध गोलाकार रूप में नहीं है ठीक है इट इज अ लिटल फ्लैटेंड एट दी एट बोथ लाइक एन ऑरेंज तो जैसे संतरा होता है दोनों अंत में क्या होता है थोड़ा चपटा होता है वैसे ही ये क्या है वैसे ही ये थोड़ा सा चपटा है इट कैन इनफैक्ट बी कॉल्ड जियोइड जियोइड का मतलब क्या होता है अर्थ शेप्ड क्या होता है अर्थ शेप तो अर्थ का शेप क्या है जियोइड ये मैंने आपको पहले ही बात बता दी थी द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो मार्स्ड बाय इंटरवीनिंग हाईलैंड एंड ओशन ऑन इट्स सर्फेस ठीक है तो ये जो है ऑब्वियसली बात है कि जब मैं बोलता हूं स्फेरिकल जब मैं बोलता हूं स्फेरिकल इस तो इसका मतलब नहीं है कि एकदम ये चिकना है स्फेरिकल है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है यहां पर क्या है यहां पर हमारे माउंटेन हैं इसमें हमारे क्या है ओशंस भी हैं तो ऐसा नहीं आप समझिए कि इसमें एकदम आपको स्मूथ सरफेस नजर आ रही है हमारी अर्थ हमारे अर्थ में ऐसे आपको उबड़ खाबड़ पहाड़ पर्वत पठार है ना प्लेटूज ये सब मिल जाएंगे ठीक है तो यही चीज यहां कही गई है कि वास्तव में जियोइड है पृथ्वी का आकार जियोइड कहलाता है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देर आर मेनी वेज टू प्रूव दैट अर्थ इज स्फेरिकल फॉलोइंग आर समेम अब यहां पर थोड़ा सा देखिए कि लोगों को कैसे बताया गया समझाया गया कि भैया जो तुम अर्थ को फ्लैट समझो भाई क्योंकि धर्म से जुड़ गई भी बात ये यूरोप के ठीक है तो यूरोप के लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमारा अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है भाई वहां पर तो बोल दिया गया चर्च में भी कि यह फ्लैट है राइट right. तो धीरे धीरे इसको समझ में जो है लोगों को बात आई और कैसे समझ में आई बात तो उसको प्रूफ कैसे करा गया या सिद्ध कैसे करा गया तो पहली चीज यहां पर आप समझिएगा यहां पर पहली चीज समझिएगा कि द सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ ठीक है तो हमारा सरकम नेविगेशन मतलब कि आप पृथ्वी प्रित्व, पे अर्थ पे अगर आप नेविगेट करें मतलब एक शिप लेके जाए अगर शिप लेके जाए आप तो क्या होना चाहिए अगर भाई शिप लेके आप गोल घूम के वापस अपनी जगह पे आ गए इसका मतलब हमारा अर्थ क्या है गोल है फ्लैट नहीं है ठीक है तो इसको यहां पर समझाया गया है यहां पर हम डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारा अर्थ क्या है ये कर्व्ड अर्थ है तो यहां पर आपको यहां पर दिया हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि कर्व्ड अर्थ है ये हमारा शिप है शिप जो है इस तरीके से चली शिप इस तरीके से चली ठीक है फिर ये पूरा चक्कर लगाई शिप ने पूरा चक्कर लगाया ये यहां पर शिप है जो पूरा चक्कर लगा रही है फिर ये आगे आई और फिर ये उस जगह पे पहुंच गई ये फिर उस जगह पे पहुंच गई है ना अगर यह फ्लैट होता अगर यह फ्लैट होता तो जो वो लोग डर रहे थे वैसे ही कुछ होता कि शिप यहां से चली और यहां नीचे गिर जा रही है परंतु ऐसा हुआ नहीं ऐसा हुआ नहीं और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यह देख लीजिए लिखा हुआ है यहां पर यहां पर लिखा हुआ है कि दी फर्स्ट वॉयज फर्स्ट वॉयज अराउंड वर्ल्ड तो सबसे पहले दुनिया का जो टूर लगाया किसी ने शिप में ठीक है वो कौन थे फर्डिनेंड मेगैलन और उसका जो क्रू था उसके जो साथी थे उन्होंने पंद्रह से लेकर पंद्रह तक ठीक है क्या करा एक चक्कर लगाया और चक्कर लगा के वो वापस उसी जगह पे आ गए जिसका मतलब ये है कि अर्थ हमारा जो है वो क्या है स्फेरिकल है उसने दुनिया पूरी घूम ली नो ट्रेवलर गोइंग राउंड दी वर्ल्ड बाय लैंड और सी हैज एवर एनकाउंटर्ड एन अब्रेप्ट एज ओवर विच ही वुड फॉल तो दुनिया में जितने भी आपके ट्रैवलर्स थे दुनिया में जितने भी लोग जो है वो यात्रा करते थे उन्होंने कभी भी उनको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी एज में जाके नीचे गिर जा रहे हैं ऐसा कभी उनके साथ नहीं हुआ ठीक है वो अपना चलते रहे आप अपना नॉर्मल चलते रहे ठीक मॉडर्न एयर रूट एंड ओशन नेविगेशन आर बेस्ड ऑन दैट ऑनशन अर्थ इज राउंड इनफैक्ट जो हमारा ओशन का नेविगेशन हो रहा है जो आपके शिप्स हैं ठीक है जो आपके एयर प्लेन्स हैं वो नेविगेशन जब करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है हमारी पृथ्वी गोल है ऐसा वो मान के चलते हैं ठीक है ये चीज आप समझिएगा ठीक अब यहां पर या, बात यही लिखी हुई है पृथ्वी की परिक्रमा से तक फर्डिनेंड ने और उनके चालक दल द्वारा दुनिया भर में पहली यात्रा निसंदेह साबित कर दी है कि पृथ्वी गोलाकार है जमीन या समुद्र के रास्ते दुनिया भर में घूमने वाले किसी भी रात्रि को कभी भी अचानक किराने का सामना नहीं करना पड़ा है जिस पर वह गिर पड़े आधुनिक हवाई मार्ग और समुद्र नेविगेशन इस धारणा पर आधारित है कि पृथ्वी हमारी गोल है पृथ्वी हमारी क्या है यह गोल है बेटा वाइड बैकग्राउंड जो आप बोल रहे हैं वाइड बैकग्राउंड करना, है है बैक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पीपीटी बनी हुई है इसमें है ना इसलिए वो वाइड बैकग्राउंड करना पॉसिबल नहीं है यहां पर ये पीडब्ल्यू में आपने देखा होगा कि आपको ब्लैक में ही सारी चीजें जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं ठीक है अब आगे हम आपको बताएंगे कि क्या है सर्कुलर होराइजन सर्कुलर होराइजन क्या है ठीक है इसको पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूं कि सर्कुलर होराइजन क्या है देखिए अगर आप यहां से देख रहे हैं सपोज यहां पर आप खड़े हैं यहां पर आपका ये व्यू पॉइंट है यहां पर आप खड़े हैं ठीक है आप वहां से ऊपर ऊपर से उपर से अगर अर्थ को देख रहे हैं ऊपर से सोचो अर्थ को आप देख रहे हैं तो आप हमेशा जब भी आप अर्थ को देखेंगे तो आपको यहां पर कैसा दिख रहा है ये अर्थ आपको ऐसा दिखेगा हमेशा गोलाकार होराइजन आपको दिखेगा जैसे आप थोड़ा सा भी ऊपर कोई टॉयल बिल्डिंग में चले जैसे बॉम्बे में आप चले जाएं ठीक है जो काफी ऊपर हो जहां पर तीस बत्तीस फ्लोर हो उस तीस बत्तीस फ्लोर पे आप ऊपर से झाँके जब देखेंगे तो आपको कभी भी समुद्र जो है ओशन वो आपको स्ट्रेट नजर नहीं आएगा वो हमेशा हल्का सा कर्व लिए नजर आएगा आप अगर फोटो भी खींचेंगे पिक्चर भी खींचेंगे तो वो हल्का सा कर्व नजर आएगा ये ये दर्शाता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है नहीं तो वो सीधी नजर आती इनफैक्ट आप कहीं से भी देखेंगे किसी भी हाइट से देखेंगे आप तो आपको होराइजन भले ही छोटा नजर आए लेकिन आपको कर्व नजर जरूर आएगा चीज वो समझाने की कोशिश कर रहा है अगर फ्लैट होते तो आप किसी भी ऊंचाई से जाए किसी भी ऊंचाई से जाए वो आपको होराइजन कैसा दिखता फ्लैट दिखता बट ऐसा नहीं है ठीक है तो यही पर यहीं पर बात कर रहा है वो क्या कह रहा है वो बात कह रहा है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कि द डिस्टेंस होराइजन व्यूड फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप एट सी और फ्रॉम अ क्लिफ ऑन लैंड इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर सर्कुलर इन शेप तो वो कह रहा है भैया तुम चाहे शिप से देखो है ना चाहे किसी ऊंचाई वाले भाग से लैंड के देखो हमेशा तुम्हें जो है शेप जो नजर आएगा वो शेप कैसा नजर आएगा सर्कुलर गोलाकार नजर आएगा ये बता रहा है दिस सर्कुलर होराइजन वाइडेंस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड दूसरी चीज वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि आप देखिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है वो कह रहा है जब आप इस ऊंचाई से देख रहे हैं जब आप इस ऊंचाई से देख रहे हैं तो आपको हमारा अर्थ कैसा दिख रहा है आपको अर्थ इतना दिख रहा है ऐसा गोल

ये देखिए हमारी ये पृथ्वी है सपोज आप यहां खड़े होते अगर आप यहां पर खड़े हैं ठीक है आप यहां पर देख रहे खड़े होके खड़े होके अगर ऐसे देख रहे हो तुम यहां पर लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर अगर यहां पर आप जो है देख रहे हैं खड़े होकर तो आपको क्या नजर आ रहा है छोटा अपने आप को कर लो बहुत बड़ा है आपको पहले यहां पर शिप में ये नजर आएगा शिप का मस्त पहला भाग नजर आएगा आपको है ना उसके बाद आप देखेंगे कि आपको दूसरे भाग जो है वो नजर आएंगे इस प्रकार से और पूरी शिप नजर आएगी यहां पर अगर आप यहां खड़े फिर आप देखेंगे कि आपको नीचे वाले भाग ये वाले भाग नहीं नजर आएंगे केवल और केवल आपको अगेन ये जो मस्त वाला भाग है वो नजर आएगा है ना तो ये भी क्या प्रूफ करता है ये भी ये प्रूफ करता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो हमारी पृथ्वी क्या है हमारी पृथ्वी गोल है गोलाकार है ठीक है आ, ये गोलाकार है प्रिंट आउट में प्रॉब्लम होता है चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है वर्ड uh, फाइल बना के दे ठीक है वर्ड फाइल बना के दे तो इसलिए आप परेशान होइए अभी आप इंजॉय करिए जो लेक्चर मैं आपको बढ़ाना हूं वो लेक्चर आप इंजॉय करिए इनफैक्ट ये प्रिंट आउट आपको निकालने की जरूरत नहीं है अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप क्या करेंगे आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको ये मैं वर्ड फाइल कोशिश करूंगा कि इसकी पूरी वर्ड फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाए ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा दूसरी चीज ये है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आपको किताब खरीदनी है सीधे से है ना तो इसमें इतनी प्रॉब्लम ही कहां है ठीक तो जहाज की दृश्यता जब एक जहाज दूर पर दिखाई देता है तो मस्तूल का शीर्ष सबसे पहले पतवार से पहले दिखाई देता है ऑब्वियस बात है कि आपको जो है मस्त जो है वो पहले दिखाई देता है उसी तरह जब यह बंदरगाह छोड़ता है जब यह चला जाता है हमारे पोर्ट से तो घुमावदार सतह पर इसका गायब होना समान रूप से क्रमिक होता है ठीक है तो यही चीज वो बता रहा है इंग्लिश में अ शिप इज विजिबल ऑन दी डिस्टेंस ऑरिजन द टॉप ऑफ दस्त ठीक है फर्स्ट टू अपियर बिफोर दी रडर ठीक है तो बाद वाले पोर्शन बाद में दिखते हैं पहले हमें क्या दिखता है मस्त दिख जाता है ये दर्शाता है ये दर्शाता है दूर से क्या ये दर्शाता है कि हमारी पृथ्वी गोल है हमारी पृथ्वी क्या है गोल है ऐसा आपको गोल का आकार कब नजर आता है आपने चकदे मूवी देखी होगी शाहरुख खान लड़कियों के साथ दौड़ते हुए आ रहा है और क्योंकि वहां पर आकृति आपकी गोल है हालांकि वो पहाड़ है यहां पर हम बड़े परस्पेक्टिव में बात करें लेकिन आप देखते हैं वो धीरे 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 करके ऊपर आता है है ना उसका पहले सर दिखता है फिर बॉडी फिर टांग उसकी दिखती है वैसे ही कुछ है हमारा अर्थ भी क्या है हमारा अर्थ गोल है चीज बताता है यहां पर ठीक आगे अगर हम लोग देखें यहां पर सनराइज एंड सनसेट के बारे में देखें अगर हम लोग सनराइज और सनसेट के बारे में देखते हैं तो यहां पर एक चीज और देख लीजिए आप देखेंगे कि आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको क्या मिल रहा है सनराइज और सनसेट मिल रहा है अलग अलग जगह पे आपको सनराइज और सनसेट मिल रहा है है ना सनराइज जो है और सनसेट जो है वो पृथ्वी पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है इसका मतलब यह है कि आपका अगर सोचिए हमारा यह ऐसे फ्लैट होता तो हर जगह पे सनराइज एक साथ होता हर जगह यहां पर भी सनराइज एक साथ हो रहा है यहां पर भी एक साथ हो रहा है यहां पर भी एक साथ हो रहा है तब तो आपको कोई दिक्कत ही ना आती सनराइज आपको हर जगह एक जैसा दिखता और सनसेट भी आपको एक साथ ही दिखता लेकिन ऐसा होता नहीं है होता ऐसा नहीं है कि यहां पर क्या लिखा हुआ होता सनराइजेज एंड सेट एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेज ठीक है एज दी अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट प्लेसेज इन see दी सन अर्लियर than दो इन दी वेस्ट तो यहां पर ये क्या बोल रहा है यहां पर बोला है सूरज अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर उगता है और डूबता है जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम की पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है वैसे वैसे पूर्व के स्थान पश्चिम की तुलना में सूर्य को पहले देखते हैं ऑब्वियस ही बात है अगर आप एक चीज बताइए मुझे आप अगर जापान में है आप अगर कहां पर है जापान में है और इंडिया हमारा इधर है इंडिया हमारा इधर है ठीक है और हमारा अर्थ कैसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा अर्थ और यहां पर क्या है यू हैव सन यहां पर आपका क्या है सूर्य है तो आप बताइए मुझे पहला कौन सूर्योदय देखेगा पहले कौन सूर्योदय देखेगा तो ऑब्वियस बात है जापान हमारा पहले सूर्योदय देखेगा उसके बाद हमारा इंडिया सूर्योदय देखेगा इसका मतलब हमारा अर्थ जो है वो क्या है गोल है तभी तो पहले जापान आया फिर उसके बाद इंडिया आया अदरवाइज तो एक ही जगह पे दिखता सब कुछ है ना तो ये हो गया दूसरी चीज आपको यहां पर हम देखते हैं द ल्यूनार्सको इसको बोलते हैं क्या चंद्र ग्रहण आप इसको देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं चंद्र ग्रहण अच्छा चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है चंद्र ग्रहण की अगर बेसिक चीज आपको समझनी है तो आपको समझना पड़ेगा यह है हमारा सूर्य ये है हमारा क्या सूर्य यहां पर है हमारी पृथ्वी अर्थ है ना और यहां पर क्या है हमारा मून यहां पर मून है ठीक है तो होता क्या है कि मून पे जो लाइट पड़नी चाहिए वो अर्थ की वजह से पड़ नहीं पाती है तो अर्थ का जो शैडो है अर्थ की जो परछाई है वो हमारे मून पे पड़ती है जो पृथ्वी जो सूर्य से रोशनी निकली वो मून तक पहुंचनी चाहिए थी लेकिन पृथ्वी बीच में आ गया पृथ्वी बीच में आ गया जब तो सूर्य की रोशनी जो है जो सूर्य की रोशनी है वो मून तक मून तक पहुंच नहीं पा रही है और यहां पर अर्थ का क्या पड़ शैडो पड़ रहा है भाई एक लाइट आ रही है आप लाइट के सामने खड़े हो जाइए तो लाइट के आगे आपको क्या दिखेगा जहां लाइट जानी चाहिए वहां शैडो दिखेगा और ये जो शैडो है ये शैडो याद रखिएगा कि अर्थ का आर्क को दिखाता है और ये गोल पड़ता है ठीक है तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि जो शैडो पड़ता है मून पे जो हमारा परछाई पड़ती है मून पे वो परछाई कैसी पड़ रही है वो परछाई हमारी गोलाकार पड़ रही है ठीक है तो यहां पर मैंने यहां पर ये यह पूरी चीजें लिख रखी है चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा जब पृथ्वी के द्वारा डाली गई छाया हमेशा अच्छा चंद्रमा चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा डाली गई छाया हमेशा गोलाकार होती है यह एक वृत्त के चाप की रूप रूपरेखा लेता है केवल एक गोला ही ऐसी गोलाकार छाया डाल सकता है इसका मतलब हमारा अर्थ क्योंकि स्फेरिकल है, इसलिए जो हमारा शैडो है वो भी स्फेरिकल पड़ रहा है सिंपल सी बात है ठीक है यहां पर दूसरी चीज प्लैनेटरी बॉडीज आर स्पेरिकल अच्छा हम लोग अब टेलीस्कोप से बहुत सारे प्लैनेट्स को देखते हैं हम लोग मून को देखते हैं है ना बहुत सारे प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स को देखते हैं जो भी हमें जो भी हमें प्लेनेटरी बॉडी नजर आ रही है जो भी आप कह सकते हैं एक तरीके से कि हमारे ग्रह हैं है ना या जो आकाशीय पिंड हैं वो सारे हमको कैसे दिख रहे हैं वो सारे हमको गोल दिख रहे हैं तो यार इसी इसी सौरमंडल का तो भाग हमारा पृथ्वी भी है तो इसी अगर सौर मंडल का भाग हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी कैसे दिखनी चाहिए पृथ्वी भी हमारी गोल दिखनी चाहिए ऑब्वियसली बात है पृथ्वी कैसे दिखेगी पृथ्वी भी हमारी गोल दिखेगी हाँ बट सर एनसीआर टी से दै शेप ऑफ दी अर्थ इज ज्योइ तो भाई मैं भी तो बोल रहा हूँ कि शेप ऑफ दि अर्थ इज ज्योइ स्फेरिकल नहीं है यही तो मैंने बताया आपने शायद आप लेट ज्वाइन करा है मैं आपके लिए बस दिखा दे रहा हूँ बेटा ठीक है हम लोग ने इसके बारे में बात करी है पूरी डिटेल में देखिए यहां पर हम लोग ने बात करी है क्या बात करी है यहां पर देखिए शेप ऑफ द अर्थ क्या बताया मैंने शेप ऑफ दी अर्थ आपको शेप ऑफ दी अर्थ जो हमारा है कैसा है जियोइड है है ना हम लोग ने भी जियोइड बात करी आप थोड़ा सा लेट जुड़े हैं आप फिर से इसको पूरा वीडियो शुरुआत से देखिएगा जरूर ठीक है मैंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है अब यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि अर्थ जो हमारा है स्फेरिकल है फ्लैट नहीं है उसको मैं समझाना चाह रहा हूं ठीक है मतलब कि ही बात है ऊपर से चपटा है लेकिन वही चीज समझाना चाह रहा हूं अच्छा एक चीज बताओ ड्राइविंग पोल्स अगर हमारा हमारा फ्लैट फ्लैट अर्थ अर्थ हो अगर हमारा अर्थ हो अगर अगर ऐसा मान लें कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है फ्लैट है है ना तो यहां पर यहां पर अगर मैं पोल्स लगाऊं यहां पर अगर मैं कोई भी पोल्स लगाऊं बिजली के तार लगाऊं या कोई भी पोल्स अगर मैं लगाऊं यहां पर ठीक है आ, ये पोल्स आपको कैसे नजर आएंगे ये पोल्स आपको हमेशा स्ट्रेट नजर आएंगे ये पोल्स आपको हमेशा स्ट्रेट नजर आएंगे ठीक है अच्छा इस पॉइंट के बाद मैं आपको समझाता हूं सेकंड पॉइंट फिर से ठीक है ये हमेशा स्ट्रेट नजर आएंगे लेकिन अगर अर्थ हमारा स्फेरिकल है तो हम क्या देखते हैं कि हमें पोल्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी जो है उनकी हाइट हमें क्या होती है वो बराबर नहीं मिल पाती हमको पता चलता है कि हम जहां खड़े हैं वो हमको सीधा दिख रहा है बाकी वाला जो पोर्शन है वो क्या है वो हमें नीचे दिख रहा है वो हमें नीचा दिख रहा है ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ हमारा क्या है अर्थ हमारा स्पेरिकल है अर्थ हमारा गोल है इसीलिए पोल्स की हाइट जो है वो सेम ना हो के ऊपर नीचे है सेंटर से आप जब दूर जा रहे हैं तो हाइट भी आपको दूर नजर आ रही है छोटी नजर आ रही है ठीक है तो ये चीज आपको समझनी चाहिए अच्छा यहां पर आपका सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं वॉट इज पॉइंट या सेकेंड पॉइंट में ऐसा क्या है देख लें जरा सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट अच्छा होराइजन वाली बात है ना होराइजन वाली बात अरे बड़ी सिंपल सी होराइजन वाली बात है यार इसको मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको आप एक चीज समझिए अगर आप अगर आप यहां पर यहां पर खड़े होके आसमान में है ना आसमान में आप खड़े होके देखते हैं तो आपको यहां पर क्या दिखता है यहां पर आपको एक जैसा होराइजन दिखता है है ना अगर ये फ्लैट होता हमारी पृथ्वी अगर फ्लैट होती तो आपको यहां से यहां तक हमारा कैसा दिखता एक होराइजन आपका दिखता ठीक है अगर पृथ्वी फ्लैट होती ऊपर भी चले जाते हैं लेकिन आप तो ऊपर भी आपको आपको क्या होता है है एक ही ही होराइजन होराइजन दिखता horizon बढ़ता थोड़ी ना आपका फ्लैट नजर आता होराइजन बढ़ता नहीं इतना ही दिखता क्योंकि ये है लेकिन हम जब सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं क्योंकि हमारा अर्थ क्या है गोल है तो आप जब इसको यहां से देख रहे हैं तो आप ये कैसा दिख रहा है आपको आपको ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है आप जैसे बॉम्बे में खड़े हो जाए बॉम्बे में बीसवें माले पे ट्वेंटी फ्लोर पे थर्ट फ्लोर पे आप खड़े हो जाए तो आपको क्या दिखेगा

फ्लैट होता तो चाहे तुम जितना ऊपर चले जाओ तुम्हें हॉराइजन इतना ही दिखता बराबर ही दिखता यह मैं बताना चाह रहा था ठीक है यह बताना चाह रहा था मैं आपको ठीक तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग जो पॉइंट है इसको कवर करें और अभी चैप्टर के मेन मुद्दे पे तो हम लोग आए नहीं है मेन मुद्दे पे आना है मुझे ठीक है तो ये पोल्स वाली बात मैंने आपको जो बताई कि अगर ये स्ट्रेट होता तो यहां पर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती यहां पर अगर ये स्ट्रेट होता तो पोल्स की स्ट्रेट लाइन मिलती ये स्ट्रेट लाइन मिलती कि नहीं मिलती यह आपको स्ट्रेट लाइन मिलती लेकिन क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिल रही है इनफैक्ट आपको क्या हो रहा है कि आप जब देख रहे हैं तो आपको एक पोर्शन ऊपर ज्यादा नजर आ रहा है ठीक है पोल्स का इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यहां पर आप कह सकते हैं कि हमारा अर्थ स्फेयर है ठीक है और फोर्थ आपका ऑब्वियस बात है अब हम लोग ने क्या यूज कर दिया अब इतने सारे हमारे पास पिक्चर्स हैं जो कि कहां से लिए जा रहे हैं जो कि स्पेस से लिए जा रहे हैं

पूरी चीज कवर करने वाले हैं कि हमारा अर्थ जो है वो कैसे मूव करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन समझेंगे उसको मैं बताऊंगा पूरा डायग्राम समझाऊंगा आपको ठीक है एमसीक्यूज भी स्टार्ट करेंगे आर्यन बिल्कुल एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे इलेवेंथ क्लास के एनसीआरटी आपकी मैम मंजू मैम लेंगी एनसीआरटी मंजू मैम कवर कर रही है तो प्लीज आप लोग उसका वेट करें ठीक है मैन इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ दी एपरेंट मूवमेंट एज ऑफ सन एंड लिटिल रियालाइज दैट दी अर्थ ऑन विच he stand is constantly in motion when the sun disappear he says that the sun sets and when it appears he says emerges he says that the sun rises yahan par dekho manushya jo hai na manushya hum log ko bachpan se kya sikhaya gaya sun rises from the east and sun sets at the west सूर्य उदय हमेशा पूर्व से होता है और सूर्य अस्त जो है वो पश्चिम में होता है परंतु सच्चाई क्या है What is the reality? Reality ऐसी है बेटा कि सन तो अपनी जगह पर है सन तो अपनी जगह पर है ये तो हमारा पृथ्वी जो है वो घूम रहा है जिससे हमें दिन और रात मिल रहा है तो बेसिकली हम लोग डूब रहे हैं और हम लोग उदय कर रहे हैं सन तो अपनी जगह पर है तो सन ऐसा ही आप कह सकते हैं प्रतीत होता है कि सन मूवमेंट जैसे आप बहुत तेजी से कोई चलती हुई ट्रेन पे बैठे हुए हैं तो आपको जो बिल्डिंग क्रॉस करती है वो लगता है जैसे कि बिल्डिंग चल रही है और आप अपनी जगह पे स्टेशनरी बैठे हुए हैं और बिल्डिंग दौड़ रही है लेकिन सच्चाई क्या है सच्चाई है कि आपकी ट्रेन बहुत तेज दौड़ रही है वो बिल्डिंग तो अपनी जगह पे है जो कि आपको नजर आ रहा है ऐसे कि जैसे बिल्डिंग आपकी चल रही है तो ये ये भ्रांति जो है ये भ्रांति हम लोग को भी होती है और यही चीज जो है यहां पर समझाया हुआ है मनुष्य हमेशा सूर्य के रूप में स्पष्ट गति के प्रति सचेत रहता है और यह कम ही महसूस करता है कि जिस पृथ्वी पर वह खड़ा है वह लगातार गति में है तो जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जहां तुम बैठ के पढ़ रहे हो हम लोग कंटिन्यूसली अपनी ध्रुव में भी घूम रहे हैं और सूर्य के भी चक्कर लगा रहे हैं ठीक है तो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन हम लोग को एहसास ऐसा एहसा नहीं होता हमें लगता है कि सूर्य निकल रहा है सूर्य उदय हो रहा है सूर्य तो अपनी जगह है भाई पृथ्वी में हम लोग का उदय हो रहा है हो हम लोग अस्त हो रहे हैं सूर्य तो अपनी जगह पे मस्त है एकदम खड़ा हुआ है जब सूर्य गायब हो जाता है तो वह कह हम लोग कहते हैं कि सूर्य डूबता है सूर्य अस्त होता है और जब वह निकलता है तो हम कहते हैं सूर्य उग रहा है मतलब सूर्य उदय हो रहा है परंतु यह सच्चाई नहीं है ठीक है आप जानते हैं इस चीज को दूसरी चीज ही इज नॉट दी एक्सलीट ही इज ही नॉट ही इज नॉट लीस्ट अवेयर ही इज नॉट ही इज नॉट लीस्ट अवेयर दैट दि सन इन फैक्ट नॉट राइज और सेट है ना वी हु राइज और वी हु सेट तो यहां पर क्या लिखा हुआ है यही मैंने जो बात बताई कि हम लोग डूब रहे हैं हम लोग जो है वो निकल रहे हैं द अर्थ मूव इन टू डिस्टिंग थोड़ी यहां पर एर uh, uh, है उसको मैं हम लोग सही कर लेंगे कि यहां पर जो हमारी जो अर्थ है वो स्पेस में दो तरीके से घूम रहा है ठीक है इसको कैसे समझना है हमारा दो तरीके तो एक तो हमारा क्या है कि सूर्य है एक तो हमारा सूर्य है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे और ये सूर्य जो हमारी पृथ्वी है ये पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है पृथ्वी इसके क्या है चक्कर लगा रही है है ना पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है सूर्य के चक्कर लगा रही है तो एक तो ये मूवमेंट हो गया जिसको हम बोलते हैं क्या रेवोल्यूशन रिवॉल्व कर रहा है है ना ये क्या हो गया आपका परिक्रमण हो गया और दूसरा क्या है ये अपने अक्ष में भी घूम रही पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष में भी घूम रही पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष में भी घूम रही है दूसरी यह चीज है तो दो इसमें मोशन हो गई एक हो गया रोटेशनल मूवमेंट अपने में घूम रही है जो अर्थ ठीक है और एक हो गया जो तीन दिन लगा के सूर्य के चक्कर काट रही है उसके बारे में यहां पर बात करी हुई है ठीक है अब यहां पर आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं यहां पर आपको एक चीज बता दे रहा हूं इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लेते हैं डिटेल में समझ लेते हैं और यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पहली चीज पहला हम लोग समझेंगे कि जो रोटेशन पृथ्वी कर रही है ठीक है पृथ्वी जो आपका रोटेशन कर रही है मतलब कि घूर्णन जो कर रही है ठीक है पृथ्वी की घूर्णन गति रोटेशनल आप कह सकते हो पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी जो हमारी है ठीक है वो याद रखिएगा कि पृथ्वी का अपना एक अक्ष है पृथ्वी का अपना क्या है एक अक्ष है अपना एक इमेजनरी एक्सिस है और इस इमेजनरी एक्सिस पे पृथ्वी क्या हो रही है घूम रही है तो यहां पर पृथ्वी का एक क्या है अक्ष है जिसको आप एक्सिस बोलते हैं ठीक है और इस अक्ष के सहारे वो क्या है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है कैसे घूम रही है भाई वेस्ट टू ईस्ट ये चीज याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व हमारी पृथ्वी घूमती है ठीक है तो जो एकदम बेसिक से बच्चे हैं उनको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी पश्चिम से पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है ठीक है पृथ्वी घूमती है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आई होप आप ये अपने दिमाग में बैठा लेंगे क्या कि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूम रही है अर्थ इज रोटेटिंग अर्थ इज रोटेटिंग अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पहली चीज तो आपका यह है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व क्या हो चक्का लगा रही है ठीक है अब दूसरी चीज कि रोटेशन से होता क्या है तो याद रखिएगा रोटेशन से आपका जो चीज हो रही है उसको हम बोलते हैं डे एंड नाइट ठीक है अब ये प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है ठीक है तो दिन और रात जो हो रहे हैं दिन और रात जो हो रही है याद रखिएगा दिन 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 एवं रात तो दिन और रात रात तो और और जो हो रही है वो क्यों हो रही है वो आपके घूर्णन के कारण हो रही है ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखिएगा कि पृथ्वी जो अपने अक्ष में घूम रही है वो दिन रात हो रही है कैसे कैसे इसको समझते हैं आप जानते हैं कि पृथ्वी पर इस प्रकार से इस प्रकार से मैं एक लाइट बना देता हूं आप अपने नोट्स बना सकते हैं इसी तरीके से पृथ्वी पर इस प्रकार से आप देखेंगे तो रोशनी पड़ रही है ना पृथ्वी पर इस प्रकार से आप देखेंगे तो रोशनी पड़ रही है और ये रोशनी कहां से आ रही है ऑब्वियस बात है यहां पर सूर्य है ठीक है लेकिन आप एक चीज देखेंगे लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि पृथ्वी पर जो रोशनी पड़ रही है पृथ्वी पर जो रोशनी पड़ रही है वो रोशनी पृथ्वी के सभी भाग में नहीं पड़ रही है केवल उस भाग में पड़ रही है जो कि सूर्य की तरफ है उसके पीछे वाले भाग में यहां पर अंधेरा है है ना ये केवल उस भाग में पड़ रही है याद रखिएगा केवल उस भाग में पड़ रही है जो कि सूर्य की तरफ चमक रहा है राइट इसलिए आपको यह समझना है कि जिस भी भाग में जो भी भाग आपका इस प्रकार से जहां पर सूर्य की रोशनी पड़ रही चमक रहा है वहां पर क्या हो रहा है वहां पर हो रही है दिन वहां पर हो रहा है डे है ना और जो चमक नहीं रहा है वहां पर हो रही है क्या रात्रि जो भाग जो फेस नहीं कर रहा है वहां पर क्या हो रहा है वहां पर हो रही है नाइट ठीक है और ये जो रेखा है ये जो रेखा है जिसके एक तरफ नाइट है और एक तरफ दिन है ये इमेजिनरी लाइन जो है ठीक है ये लाइन कहलाती है क्या सर्कल ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ठीक है इसको हम बोलते हैं क्या प्रदीप्ति रेखा ये क्या कहलाती है ठीक है।, है।, है एक तरफ आपका रोशनी पड़ रही है, एक तरफ है। तो इस लाइन यहां से एक तरफ दिख रही है लेकिन हमारी पृथ्वी तो गोल है हमारी पृथ्वी तो गोल है तो ये लाइन आपको जो यहां दिख रही है ये लाइन इस तरफ भी होगी दूसरी तरफ भी होगी तो ये एक सर्कल है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ठीक है यह चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है अब अच्छा है एक और इंपॉर्टेंट चीज ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट चीज अब इसको थोड़ा सा मैं जो है एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं यहां आपके जीसी लियोंग में कोला लामपुर को दिया हुआ है कोला लामपुर करके जगह दी हुई है ठीक है अब यहां पर उन्होंने बनाया है क्या सन इस तरफ से यहां पर बनाया उन्होंने क्या सन ठीक है उसी चीज को हम लोग जो है अपने नोट्स में कैसे उतार रहे हैं और यहां पर है पृथ्वी यहां पर है पृथ्वी ठीक है अब एक चीज समझिएगा ये हम लोग कैसी इमेज ले रहे हैं ये हम लोग ऐसी इमेज ले रहे हैं जैसे चिड़िया है ना या स्पेस से बैठ के हम देख रहे हैं पृथ्वी को स्पेस के बैठ के देख रहे हैं या चिड़िया जैसे देख रही है हेलीकॉप्टर जैसे देख रहा है वैसे हम देख रहे हैं ठीक है पेरी एपीहीलियन क्या है बता दे रहा हूं मैं आपको पेरी एपीहीलियन आपने पूछा है इससे पहले ही मैं आपको यह बता देता तो, हूं पेरी या एपीहीलियन क्या है ठीक है तो यहां पर पेरी एपीहीलियन हालांकि ये बाद में बताने वाला था लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि अर्थ जो है वो हमारा सन जो है अर्थ के चक्कर लगाता है है ना इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है इस तरीके से तो सन जो है वो चक्कर लगा रहा है अर्थ के ठीक है अब इसमें ऐसा हो एक दिन आता है जब अर्थ जो है वो सन के बहुत करीब होता है ठीक है इसको बोलते पे हैं पेरीहीलियन आपने मेरी क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास शायद नहीं देखी है है ना मैंने क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास में भी ये बताया है ठीक है पेरीहीलियन पेरीहीलियन वो पोजीशन है जब सूर्य के निकट पृथ्वी सबसे ज्यादा होती है ठीक है तो यहां पर आप कह सकते हैं सन इज सन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ है ना मतलब कि सन जो है वो अर्थ के सबसे पास होता है और ये कब होता है ये होता है थर्ड जैन को ये कब होता है ये होता है थर्ड जैन को तीन जनवरी को क्या होता है कि सूर्य सूर्य पृथ्वी के पृथ्वी के सबसे निकट होता है सबसे निकट सूर्य पृथ्वी के क्या हो रहा है सबसे निकट है तो यहां पर मैं आपको बता दूं ये है पेरीहिलियन इसको बोलते हैं उपसौर इसको क्या बोलते हैं उपसौर बोलते हैं हिंदी में ठीक है और यहां पर एक और ऐसी पोजीशन आती है फोर्थ जुलाई के दिन फोर्थ जुलाई के दिन जब सन जो होता है वो फारदेस्ट होता है सबसे दूर होता है बेटा सबसे दूर होता है ठीक है तो ये भी है ठीक है तो जिसने पूछा है यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर यहां पर ये यह सबसे दूर होता है फोर्थ कब फोर्थ जुलाई को तो यहां पर लिख सकते हो कि सन इज सन इज फारदेस्ट फ्रॉम दी अर्थ ठीक है तो यहां पर मैंने क्या बोला यहां बोला सूर्य सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की दूरी पृथ्वी से पृथ्वी से सबसे अधिक होती है सबसे अधिक आई होप ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले बच्चों को समझ में आ गई होगी अधिक होती है ठीक है ये चीज है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या एपिलियन इसको हम लोग बोलते हैं एपिलियन ठीक है और इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अपसौर हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं अफसौर बोलते हैं ठीक है तो ये पोजिशनिंग है बेसिकली ये क्या है पोजिशनिंग है बेसिकली क्या है ये जो है ना ये शब्द ये एक्चुअली एक शब्द होता है ग्रीक शब्द हेलियोस हेलियोस, हेलियोस। है ना एक शब्द है हेलियोस हेलियोस से आया ही हीलियन हेलियोस मतलब होता है सन ग्रीक वर्ड है ये इट इज अ ग्रीक वर्ड आपने पूछ ही लिया तो बता दे रहा हूं ठीक है ये एक आपका ग्रीक शब्द है हेलियोस जिसका अर्थ होता है क्या सूर्य जिसका अर्थ होता है सन ठीक है और पेरी जो है पेरी का मतलब होता है क्लोजेस्ट पेरी का मतलब होता है क्लोजेस्ट जबकि यहां पर एप का मतलब होता है फारदेस्ट ठीक है और यह भीलियोस भी शब्द से बन के आया है तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि पेरी हीलियन में अर्थ के सन बहुत पास होता है अर्थ के सन बहुत पास होता है ठीक है और यहां पर आपको समझ में आया होगा कि अर्थ से सन बहुत दूर होता है ठीक है तो यहां पर होता है अराउंड अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर दूर ठीक है यहां पर अगर हम लोग बोले तो कितना दूर होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 152 मिलियन किलोमीटर्स ठीक है और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यह होता है 147 मिलियन किलोमीटर पास का मतलब यह नहीं है कि एकदम तुम्हारे घर के पास आ जाएगा 147 मिलियन किलोमीटर तब भी दूर होता है जो कि थर्ड जनवरी को होता है पेरीहीलियन ठीक है यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए ठीक यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए ठीक है चलिए अब आगे हम बता रहे थे आपको यहां पर हाँ तो यहां पर हम लोग अब कैसा व्यू हमारा है इसको बोलते हैं बर्ड आई व्यू बर्ड्स आई व्यू मतलब जैसे चिड़िया उड़ रही है ना चिड़िया की आंख से जैसा दिखता है वैसा तो सपोज चिड़िया की आंख से सूर्य दिख रहा है ऐसे हमारी पृथ्वी दिख रही है है ना यहां पर हमारा है क्या यहां पर हमारा है कोला लामपुर यहां पर आपकी बुक में दिया हुआ है कोलवा कोलामपुर का एग्जाम्पल तो हमने कोलामपुर ले लिया है यहां पर ठीक है अब जब कोलामपुर यहां पर है जब ये कोला लामपुर यहां पर है तो सूर्य की किरणें ऐसी पड़ रही हैं इस पर सूर्य की किरणें ऐसी पड़ रही हैं कोला लामपुर पर तो बताइए जब सूर्य की किरण ऐसी पड़ रही है कोला लामपुर पर तो कोलामपुर पे समय क्या हो रहा होगा तो आप बोलेंगे सर इस समय सनराइज होगा सूर्य उदय हमें नजर आ रहा है है ना ठीक है ये कंडीशन हो गई ऐसी ही एक कंडीशन और ले लेते हैं हम लोग यहां पर ये सन है अब हमारा जो कोलालामपुर है वो कोलालामपुर जो है वो कहां आ गया यहां पर आ गया कोलालामपुर यहां पर आ गया शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहे हैं के एल के एल कोलालामपुर यहां पर है तो एकदम कोलालामपुर के सन पर जो सर है सर के ऊपर चमक रही होगी इस समय लाइट है ना तो यहां पर हम क्या बोलेंगे यहां पर हम बोलेंगे क्या हो रहा है इस समय तो आप कहेंगे सर यहां पर आफ्टरनून है यहां पर बारह बज रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है बारह बज रहे हैं एकदम सर पर आपका सूर्य जो है वो चमक रहा है हम ये चिड़िया की तरह देख रहे हैं चिड़िया की तरह मतलब कि सूर्य पहले यहां था पृथ्वी यहां थी पृथ्वी ऐसे घूम रही है है ना यहां पर नॉर्थ पोल है उसके पीछे बोर्ड के पीछे साउथ पोल है ऐसे देख रहा हूं मैं है ना फिर ये हमारा इधर आ गया ये पार्ट यहां पर आ गया अब फिर एक और कंडीशन आएगी यहां पर एक और कंडीशन यहां पर आ गई यहां पर सन है हमारा ठीक है और ये अर्थ है अब कोलालमपुर यहां पर आ गया ठीक है अब सन की जो रेज है वो सन की रेज ऐसी पड़ रही है इस पर तो इस समय क्या होगा तो तुम कहोगे इवनिंग इस समय क्या हो रहा है इवनिंग हो रही है क्योंकि सन की रेज पृथ्वी का मोशन हो रहा है ऐसे ठीक है और यहां पर आप देखेंगे अगर इस तरीके से आप देखेंगे ये सन है हमारा ठीक है और यहां पर आप देखो तो यहां पर आप आ गया है कोला ठीक है तो क्या सन की रेज अब इस पर पड़ रही है क्या सन की रेज इस पर पड़ रही है बताओ मुझे सन की रेज नहीं पड़ रही है ठीक है सन की रेज केवल यहां तक पड़ रही है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तक कोला लामपुर में समय क्या है कोला लामपुर में इस समय हो रही है रात नाइट इसका मतलब समझे क्या है ये इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं हमारा अर्थ जो है वो अर्थ क्या है रोटेट कर रहा है हमारा अर्थ क्या हो रहा है रोटेट कर रहा है और हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से, से हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है दिन या रात हो रही है ये समझाना चाह रहा दिन या रात जो हो रही है अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रही है मतलब सूर्य सोचो मेरे यहां पर चेहरे पे अगर मैं ऐसे खड़ा हूं पर सन, तो है सन अगर सोचो यहां पर ऐसे आ गया साइड पे और मैं खड़ा हुआ हूं तो क्या हो गया आपका मॉर्निंग हो रहा है सन इधर चला गया इवनिंग हो रहा है और आपका सन सामने है और मैं पलट गया तो क्या मैं फेस कर रहा हूं सन को नहीं है ना तो क्या हो गई आपकी रात हो गई बेसिकली तो यहां पर अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है और अर्थ के घूर्णन के कारण अर्थ के रोटेशन की वजह से यहां पर क्या हो रहा है यहां पर आपका डे एंड नाइट आ रहा है क्या है बेटा ये डे एंड नाइट क्या ये बात क्लियर है सबके ठीक है अगर ये क्लियर है आपके तो वापस आते हैं हम लोग तो यहां पर क्या है बात आप देखिए यहां पर क्या बात हो रही है यहां पर बड़ी सिंपल सी बात हो रही है कि यहां पर देखिए यहां पर बोला जा रहा है बहुत सिंपल सी बात बोली है कि अर्थ जो है अर्थ वो 365 डेज में किसका चक्कर लगा रहा है सूर्य का चक्कर लगा रहा है जिसकी वजह से सीजन आता है जिसकी वजह से क्या आ रहा है सीजन आ रहा है ये कैसे आ रहा है ये भी अभी हम लोग देखेंगे ठीक है यहां पर हम लोग इसको देखेंगे यहां पर यह भी चीज इंपॉर्टेंट है इसको समझेंगे डे एंड नाइट सबसे पहले बात कर रहे हैं यहां पर किसके बारे में डे और नाइट के बारे में बात कर रहे हैं वेन दी अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सेस ओनली वन पोर्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस कम्स इन टू द रेज ऑफ दन एक्सपीरियंस डे लाइट जो चीज मैंने आपको बोली क्या बोला मैंने यहां पर मैंने यहां पर बोली दिन और रात जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है तो पृथ्वी की सतह केवल एक भाग सूर्य की किरणों में किरणों में आता है और वह दिन के उजाले का अनुभव करता है जो मैंने आपको बात बोली ठीक है दूसरी चीज यहां पर क्या है दी अदर पोर्शन विच इज अवे फ्रॉम दी सन रेज दी अदर पोर्सन विच इज अवे फ्रॉम दन रेज विल बी इन डार्कनेस जो मैंने आपको बता बताई कि यहां पर रात होगी ठीक है एज दर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एवरी पार्ट ऑफ दर्थ सरफेस विल बी ब्रॉट अंडर दाइम और दी अदर यहां पर क्या बोला जा रहा है यहां पर बोला जा रहा है क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है इसलिए पृथ्वी का हर भाग पूरे साल में कभी ना कभी तो क्या होगा आपका दिन और रात फेस करेगा यह चीज यहां पर बोली जा रही है ठीक है अ पार्ट ऑफ दि सर्फेस दैट इमर्जेस फ्रॉम दी डार्कनेस इंटू दस सनराइज ये मैंने आपको बता दिया कि पहले वो अंधेरा था यहां पर हम लोगों ने देखा इस चीज को है ना यहां पर आप सोचिए यहां पर आप इमेजिन करिए कि ये वाला पार्ट जो यहां पहुंच चुका है ये वाला पार्ट जो यहां पहुंच चुका है यहां डार्कनेस है और फिर से ये घूमेगा फिर से ये अगर कोलालामपुर जो है कोलालामपुर आगे फिर से घूमेगा तो इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा और इस वाली पोजीशन पे अंधेरे से निकल के जब ये आएगा तो क्या है अंधेरे से निकल के आएगा तो यहां पर सनराइज है। क्या है यहां पर सनराइज आपको पड़ेगा क्लियर है बात ये समझ में आ रही है? ठीक है तो यही चीज वो समझा रहा है वो जब अंधकार से निकल के आएगा तो वो भाग सूर्य उदय को देखेगा लेटर वेन इट इज ग्रेजुअली ऑब्सक्योर्ड फ्रॉम दी सन बीम्स इट एक्सपीरियंसिस सनसेट बात है जब ये पूरा घूम जाएगा तो एक समय आएगा जब यहां पर सूर्य अस्त हो जाएगा सूर्य स्थिर है अपनी जगह पर सूर्य वास्तव में स्थिर है और यहां पर पृथ्वी ही घूमती है यही चीज वो बताना चाह रहे पृथ्वी की सतह एक हिस्सा जो अंधेरे से निकलकर सूर्य की किरणों में आता है सूर्य उदय का अनुभव करता है बाद में जब यह सूर्य की किरणों से धीरे धीरे ओझल हो जाता है तो सूर्य अस्त का अनुभव करता है सूर्य वास्तव में अपनी जगह पे है पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी घूमने की वजह से दिन या रात हो रही है तो याद रखिएगा क्वेश्चन आता है क्या प्रेजेंस में क्वेश्चन आता है प्रेजेंस में इट इज दी रोटेशन ऑफ दी अर्थ बिकॉज ऑफ विच डे एंड नाइट है यह पृथ्वी का घूर्णन है जिसके कारण दिन और रात होती है तो स्टेटमेंट क्या करोगे टिक मारते हुए चले जाओगे टिक मारते हुए चले जाओगे ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है भ्रम ठीक वैसा ही है जैसे तेज गति वाली ट्रेन में यात्रा करने पर होता है हमारे आसपास के पेड़ और घर हिलते हुए प्रतीत होते हैं और हमें लगता है कि ट्रेन रुकी हुई है चित्र से आप देखने को मिल सकता है आपको कि यह क्या चीज है ठीक है चलिए तो यहां पर आपको हम लोग बता दें अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं ये बात करने वाले हैं हम लोग अर्थ के रेवल्यूशन के बारे में अर्थ के रेवल्यूशन के बारे में ये कोलारामपुर के जो मैंने पूरी आपको चीज बताई थी वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है यहां पर एक चीज याद रखिएगा जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वह दीर्घताकार कक्षा में इलेप्टिकल ऑर्बिट में मील पर सेकेंड की स्पीड से विलोसिटी से स्पीड से घूमती है ठीक है कितनी स्पीड होती है एटीन पॉइंट फाइव माइल्स पर सेकेंड प्रति सेकेंड जो है सूर्य जो चक्कर लगा रहा है तभी तीन दिन हम लोग जो है तीन एक बटा चार भाग में मतलब कि 365 सिक्सटी फाइव वन बाय डे में हम लोग एक चक्कर को कंप्लीट कर पाते हैं तो ये मैंने आपको कोलालामपुर वाली पूरी चीजें समझा दी हैं तो कोलालामपुर में ऐसा ऐसा हो रहा है वो हम लोग ने देख लिया ठीक है अब यहां पर एक लाइन आपको समझनी है क्या कि एज इट इज नॉट देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वन कंप्लीट रेवल्यूशन वन कंप्लीट रेवल्यूशन टेक्स थ्री डेज और ईयर ठीक है यहां पर ये यह क्या बोला है कि यहां पर यह बोल रहा है कि यह तीन दिन लेता है या इसको एक साल हम बोलते हैं ठीक है पर पर एक चीज़ और लिखी हुई थी होगा तो तो इसको दिखाना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको नहीं दिखाते हैं और हम लोग क्या कह देते हैं हम लोग कह देते हैं कि ये जो है तीन दिन है एक्चुअली तीन दिन से ज्यादा होता है हर साल तीन सौ पैंसठ एक बटे चौथा भाग होता है है ना लेकिन क्या है कि यार इसको हम लोग फ्रैक्शन में दिखा नहीं सकते बड़ी पॉसिबिलिटी मतलब आपका बड़ा आ, सब मामला गड़बड़ा जाएगा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी तो हम लोग थ्री सिक्स रख देते हैं और फिर क्या करते हैं कि हम लोग हर चौथे साल को लीप ईयर मनाते हैं हर चौथे साल दिन में हम लोग एक दिन ऐड कर देते हैं और ये दिन हम लोग कब ऐड करते हैं फेब में ऐड कर देते हैं जब फेब में दिन जो होते हैं उन्तीस दिन का महीना हो जाता है है ना फेब्रवरी में हम लोग उन्तीस दिन का महीना कर देते हैं अट्ठाइस की जगह पे और उस साल को क्या बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं हम लोग उस साल को क्या बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं और आपको लीप ईयर अगर निकालना होगा तो आप क्या करें चार से उसको भाग दे दें तो वो पता चल जाएगा अगर पूरा कट जा रहा है तो वो लीप ईयर है ये सब बेसिक चीजें हैं है ना खैर ये मैंने कोलालामपुर वाला इमेज है इतना क्लियर नहीं इसलिए मैंने बना दिया था अब यहां पर आपकी क्या बात आ रही है अब यहां पर बात आ रही है पॉइंट क्या कह रहा है वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट द एक्सेस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक प्लेन इन विच दी अर्थ ऑर्बिट अराउंडल ऑफ सिक्स पर बड़ी ही मुद्दे की बात अब आ गई है और यह समझना इस पूरे चैप्टर में यह समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यह हमको बहुत ही डिटेल में समझना है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है क्या समझना है मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अब अर्थ रेवल्यूशन की अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है परिक्रमण कर रहा है उसको समझना है अब यहां पर क्या है यह है हमारा सूर्य ठीक है यह है हमारा सन दिस इज सन अब आप बना सकते हो उसको सूर्य हम कह रहे हैं ठीक है और हमारा जो अर्थ ये सन का जो ऑर्बिटल प्लेन है ऑर्बिटल प्लेन है हमारी पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी उस पर डिग्री जो है वो क्या है झुकी हुई है है ना हमारी जो पृथ्वी है वो जो ऑर्बिटल प्लेन है ये है ऑर्बिटल प्लेन ये इलेप्टिकल ऑर्बिट का ऑर्बिटल प्लेन है जो उसने बोला उसमें साढ़े छिया डिग्री है, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है ठीक है और अपने अक्ष में अगर आप देखेंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तो ये आपका कितना हो जाएगा अगर ऐसे देखोगे तो ये आपका हो जाएगा साढ़े तेईस डिग्री है. ठीक है तो ऐसे आप अपने अक्ष पे देखेंगे तो अक्ष का झुकाव कितना है साढ़े तेईस डिग्री का और बेसिकली यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कितना है यह है आपका साढ़े छाछ जो इलिप्टिकल आपके प्लेन्स का ऑर्बिट है है ना अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा अर्थ कैसे बढ़ता है तो यहां पर आप देखेंगे हम लोग चाहिए ये आपको मैंने समझा दिया अब इसको हम लोग दूसरे पेज में बना लेते हैं पूरा अर्थ का ये जो है सिस्टम ये दूसरे पेज में बना लेते हैं ये है सन दिस इज सन ये है हमारा अर्थ इधर है हमारा अर्थ इधर है हमारा अर्थ एंड इधर है हमारा अर्थ ठीक है और ये एक हम कह रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट है दिस इज वॉट इलिप्टिकल ऑर्बिट ये हमारा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है ठीक है अब यहाँ पर हमारा अर्थ ऑब्वियस ही बात है कि इस तरीके से झुका हुआ है सन के अगर आप देखेंगे उसमें है ना और ऑर्बिटल प्लेन पे ये हमारा जो है इस तरीके से झुका हुआ है इस तरीके से ये क्या है झुका हुआ है ठीक है और इसी झुकाव की वजह से और इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से इसी झुकाव की वजह से और इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से आप देखते हैं कि हमारे अर्थ पे हमारे अर्थ पे क्या रहा है मौसम बदल रहे हैं ठीक है तो यहां पर याद रखिएगा सीजन के बारे में जब हम बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लेना दो में यह प्रश्न आया है यूपीपीसी एस में है ना सॉरी यूपीएससी में यह यूपीएससी में दो में, में आया है बाकी बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी आया है तो याद रखिएगा 2014 में यूपीएससी आपके प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन आया है ठीक है इंपॉर्टेंट कारण जो है वह क्या है परिक्रमण कि यह जो है यह जो परिक्रमण कर रहा है सूर्य का रेवल्यूशन अराउंड ठीक है सूर्य का सूर्य का जो ये परिक्रमण कर रहा है इसकी वजह से मौसम बदलते हैं ठीक है और दूसरी चीज यहां पर टिल्ट ऑफ दी एक्स टिल्ट ऑफ अर्थ है ना जो हमारा पृथ्वी का झुकाव है पृथ्वी का झुकाव जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है पृथ्वी का जो झुकाव है जो कि साढ़े तेईस एंड हाफ डिग्री है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आइए देखते हैं कैसे मैटर करता है कैसे ये इंपॉर्टेंट है इसको भी समझ लेते हैं है ना हाँ ठीक है तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा क्या समझना है यहां पर देखिए ये आप यहां पर देख सकते हैं हमारे यहां पर कई सारे विश्वत रेखा है यहां पर कई सारे सॉरी हमारे यहां पर कई सारे अक्षांश है ठीक है एक अक्षांश आपका जो है एक अक्षांश जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके इस इमेज को जो है मैं थोड़ी सी बड़ी करके बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है इस इमेज को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके समझेंगे यहां पर ठीक है तो यहां पर अगर आप देखें यहां पर अगर आप देखेंगे तो लेट मी ड्रॉ डिफरेंट डायग्राम यहां पूरा बना लेता हूं मैं फिर से है हमारा अर्थ है ठीक है ये है हमारा आ, इसको बोलते हैं ये है कर्क रेखा ठीक है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी हम लोग देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पर हमारा है इक्वेटर सॉरी यह है हमारा इक्वेटर और इधर है ट्रॉपिक ऑफ केपरीकॉन ठीक है यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ केपरीकॉन ठीक है इसको बोलते हैं मकर रेखा इसको क्या बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा आ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा और इसको बोलते हैं कर्क कर रेखा ठीक है अब देखो यहां पर क्या हो रहा है अब यहां पर आपको समझना है कि क्या हो रहा है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सूर्य की रोशनी है वो सूर्य की रोशनी कहां पे लंबवत पड़ रही है तो आप देखेंगे कि सन की जो रोशनी है वो परपेंडिकुलर पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ केपरी पे ठीक है तो यहां पर आप देखिएगा ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर को ये कब हो रहा है ये बाईस दिसंबर को ऐसा हो रहा है कि जो सूर्य है वो सूर्य हमारा क्या हो रहा है लंबवत पड़ रहा है कहां पे लंबवत पड़ रहा है तो आप देखेंगे कि ये लंबवत पड़ रहा है मकर रेखा पे कहां पे मकर रेखा पर लंबवत पड़ रहा है ये चीज याद रखिएगा ठीक है मतलब कि सन इज परपेंडिकुलर सन इज परपेंडिकुलर ओवर ट्रॉपिक ऑफ केप्रीकॉन ठीक है यहां पर यह हमने देख लिया ठीक अब यहां पर हम जब देख रहे हैं तो हमें क्या नजर आ देखिए, है यहां पर आप जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो पोल्स है हमारे पोल्स पोल्स तक हमारी पूरी लाइट पहुंच रही है यहां पर सन जब आपका परपेंडिकुलर है तो हमारे पोल्स तक लाइट पहुंच रही है है ना लेकिन हम देखेंगे कि यहां पर यहां पर सिक्सटी सिक्स एंड हाफ नॉर्थ जिसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल जिसको हम बोलते हैं क्या आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल हिंदी में बोलते हैं आर्कटिक वृत्त ठीक है है इसके इसके ऊपर ऊपर सनलाइट नहीं पड़ रही इसके ज्यादा ऊपर सनलाइट नहीं पड़ रही है इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और क्लियर बना लेते हैं डायग्राम बहुत जरूरी है डायग्राम अगर गलत हो गया तो आप समझ नहीं पाएंगे ठीक है तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी सन की रोशनी है सन जो है हमारा परपेंडिकुलर कहां तक चमक रहा है यहां तक चमक रहा है है ना ये क्या है ये है सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं कि इसमें रोशनी पड़ रही है ये वाला पोर्शन जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यहां पर पोल्स तक में रोशनी पड़ रही है पोल्स तक में रोशनी पड़ रही है Can you see it clearly? कि यहां पर पोल्स तक रोशनी पड़ रही ले है लेकिन यहां पर एक ऐसा भी पार्ट है यहां पर एक ऐसा भी पार्ट है जहां पर जितना भी अर्थ रोटेट कर ले अर्थ चाहे रोटेट कर ले कोई रोटेशन हो जाए यहां पर इसके ऊपर रोशनी आपको दिखी नहीं रही है ये ब्लैक है यहां पर यहां पर क्या है डार्कनेस है यह जो ग्रीन से मैंने माफ करा है यहां पर डार्कनेस है तो अगर आप अर्थ को देखें अर्थ कितना भी रोटेट कर ले अर्थ कितना भी रोटेट कर ले यहां पर रोशनी केवल कहां तक पहुंचनी है केवल और केवल यहां तक रोशनी पहुंचनी है ठीक है केवल ये वाला पार्ट जो है आपका क्या होगा इस वाले में तो यहां पर क्या हम देख सकते हैं कि 22 दिसंबर के महीने में यहां पर क्या, होता है में? क्या मैं बोल सकता हूं होती है में? क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर क्या हो रहा है शीतकाल हो रहा है विंटर्स पड़ रही है यहां पर आप कहेंगे बिल्कुल पड़ रही है अच्छा क्यों पड़ रही है विंटर्स विंटर इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में नॉर्दर्न हमेस्फेयर में जो सनरेज है वो प्रॉपरली पहुंच ही नहीं रही है लेकिन वहीं आप देखिए कि यहां पर साउथ पोल है यहां पर सर्दर्नोस्फेर में साउथ पोल तक आपकी रोशनी पूरी पहुंच रही है साउथ पोल तक पूरी लाइट पहुंच रही है है ना इसका मतलब अगर हम देखें तो जो हमारा सर्दर्न हेमोस्फेयर है जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है ठीक है पृथ्वी का जो नीचे वाला भाग जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं वहां पर पूरी रोशनी पहुंच रही है यहां पर आप बिलीव करिए यहां पर क्या होगा यहां पर अगले छह महीने के लिए याद रखिएगा अग अगले छह महीने के लिए यहां पर क्या होगा यहां पर हमेशा सन चमकता रहेगा सूर्य अस्त होगा ही नहीं यहां पर ठीक है ये जो आप देख रहे हैं यहां पर सूर्य अस्त यहां पर आपको होगा ही नहीं जबकि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये वाला एरिया आर्टिक सर्कल के ऊपर वाला एरिया यहां पर क्या है हमेशा सनसेट जैसी कंडीशन यहां पर हमेशा डार्कनेस है यहां पर क्या है यहां हमेशा डार्कनेस है यहां पर सन की रोशनी पड़ ही नहीं रही है यहां पर हमेशा डार्कनेस है ठीक है जबकि यहां पर हमेशा सनलाइट पड़ रहा नीचे तो बताइए जहां पर डार्कनेस है अगर ऊपर वाले में डार्कनेस है तो ऊपर वाले में ठंडा होगा कि नहीं होगा और जहां पर सनलाइट पड़ रही है जहां पर परपेंडिकुलर है सन वहां पे गर्म होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा तो अगर मैं बोलूं ये मैं बोल दूं कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमेस्फेयर है बेटा जो हमारा नॉर्दर्न हेमेस्फेयर है इस नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में क्या मैं बोल सकता हूं कि हमेशा यहां पर इस वक्त 22 सितंबर के टाइम पे विंटर्स होगा अगर आप आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप देख रहे हैं हम लोग 22 सितंबर के 22 दिसंबर के पास पहुंच रहे हैं है ना हम लोग ट्वेंटी सेकेंड के पास पहुंच रहे हैं और हमको ठंड लगना महसूस हो रही है क्योंकि जो सनरेज है वो हमारे अर्थ पे अब स्लांटिंग पड़ रही है हमारे जो जो है हमारे पार्ट है अर्थ का उस अर्थ के पार्ट पे स्लैंटिंग पड़ रही है इसलिए यहां ठंडा है लेकिन यहीं पर अगर आप देखेंगे तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस समय सर्दन में भाई दक्षिणी गोलार्ध भी तो है हमारा ठीक है तो हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है जो हमारा सर्दन हेमेस्फेयर है दक्षिणी गोलार्ध जिसको आप बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में हम क्या कर सकते हैं याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है ठीक है यहां पर क्या होगा यहां पर इस समय समर्ज होंगे यहां पर याद रखिएगा इस समय ग्रीष्म काल होगा ग्रीष्मकाल तो सीजन देख रहे हो तुम सीजन सीजन यहां पर अंतर है इस समय यहां पर क्या है इस समय यहां पर हम देख सकते हैं कि ठंडी है और यहां पर क्या है यहां पर गर्म है ठीक है यह चीज आपको समझ में आ रही होगी क्लियर क्लियर सबको समझ में आ रही है कोई दिक्कत किसी के भाई ये जो नोट्स है ना ये नोट्स पीपीटी भी मिलेगी आपको पीपीटी भी मिलेगी आपको और ये पीपीटी के अलावा ये पीपीटी में मिलेगी आपको है ना तो परेशान मत हो यह सब तुम्हें पीपीटी मिलेगा नोट्स के लिए एकदम परेशान मत हो ठीक है तो ये आपको चीज आई होप आपके समझ में आई होगी जो मैंने ट्वेंटी सेकेंड वाली बात बताई इस ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर को याद कर लीजिएगा क्या बोलते हैं इस ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर को हम लोग बोलते हैं विंटर सोलस्टाइस इसे हम क्या बोलते हैं विंटर सोलस्टाइस अब आप बोलेंगे सोलस्टाइस क्या होता है इसको बोलते हैं शीत संक्रांति इसे क्या बोलते हैं हम लोग शीतकाल संक्रांति बोलते हैं ठीक है अब आप बोलेंगे सर ये होता क्या भाई कुछ नहीं होता जब आपका याद रखिए जब आपका ट्रॉपिक ऑफ केपरीकॉन पर ट्रॉपिक ऑफ केपरीकॉन पर स्तर पर पेंडिकुलर पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सोलस्टाइस बोलते हैं ठीक है तो संक्रांति बोलते हैं तो यह हमने कर लिया अब हम लोग जो है दूसरी कंडीशन पे आते हैं अब हम लोग दूसरी कंडीशन पे आते हैं अब देखिए दूसरी कंडीशन यहां पर दूसरी कंडीशन समझेगा अब जो है हमारा अर्थ दिसंबर से सॉरी 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 अब जो है हमारा अर्थ दिसंबर से आगे बढ़ेगा और दिसंबर से आगे बढ़ेगा तो यहां पर एक डेट आएगी जिसको आप बोलते हैं ट्वेंटी फर्स्ट मार्च यहां पर आपकी एक डेट आ रही है क्या ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ठीक है इक्कीस मार्च यहां पर डेट आ रही है ठीक है अब आप पोजिशनिंग देखिए अब क्या झुकाव का कोई अंतर पड़ रहा है अब जो है हमारे सन से जो रेज निकलेंगी वो सर अर्थ के सेंटर वाले पार्ट में जाकर टकराएंगी जो कि क्या है जो कि इक्वेटर जो कि क्या है इक्वेटर है जीरो डिग्री इक्वेटर क्योंकि यहां पर झुकाव का कोई भी महत्व नहीं है झुके रहो यार इधर झुको इधर झुको कोई मतलब नहीं है यहां पर क्या था अब सोचो आप ऐसे समझो जैसे ये है एक सन है ठीक है अब अब ये मेरा अर्थ है अर्थ अगर इधर झुका होगा अर्थ अगर सन की तरफ झुका होगा ठीक है तो जो जो पार्ट झुका होगा ना जो पार्ट अर्थ की तरफ झुका होगा जैसे कि ये वाला नीचे वाला वाला पार्ट 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 नीचे नीचे अर्थ अर्थ की है, नीचे वाला अर्थ की तरफ तरफ है 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 तो जो भी झुका झुका होगा ऐसे हुआ हो इस वाले केस में ऐसे झुका हुआ है तो रोशनी इधर पहुंचेगी पहले अगर यह अर्थ ऐसे झुका हुआ है तो रोशनी इधर पहुंचेगी अगर अर्थ ऐसे झुक गया तो रोशनी ऐसे पहुंचेगी लेकिन अगर अर्थ ऐसे आ गया है ना मतलब यहां सूर्य है यहां अर्थ है चाहे वो ऐसे झुकाओ चाहे ऐसे झुकाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि रोशनी ऐसे पड़ रही है रोशनी कैसे पड़ रही है ऐसे पड़ रही है तो यहां पर जो है यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या है ये अर्थ एकदम सामने आ गया है हमारे किसके सन के सामने आ गया तो यहां पर एक्सिस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक्सिस का फर्क नहीं पड़ेगा तो सन परपेंडिकुलर कहां होगा तो यहां रखिएगा सन इज सन इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओवर द इक्वेटर इक्वेटर ठीक है तो यहां पर हमने क्या बोला यहां पर हमने बोला कि जो हमारा सूर्य है सूर्य वो सूर्य कहां पर है लंबवत? तो आप कह सकते हैं सन जो है सूर्य विश्वत रेखा पर लंबवत है विश्वत रेखा पर रेखा पर लंबवत है क्लियरली ये बात समझ में आ गई आपको सूर्य क्या है विश्वत रेखा पर लंबवत है आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी ठीक है अब यहां पर जब यह कंडीशन आती है कि इक्वेटर पे चमकता है तो इस कंडीशन को बेटा बोलते हैं हम लोग इस दिन को बोलते हैं हम लोग क्या आ, हिंदी में बोलते हैं विशुभ हिंदी में बोलते हैं विशुभ और इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वी इक्वी मतलब होता है बराबर है ना इक्विनॉक्स का मतलब होता है बराबर मतलब कि डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो बारह बारह घंटे का बराबर रहेगा पृथ्वी पर ठीक है क्योंकि सन की जो रोशनी पड़ रही वो एकदम अर्थ के सेंटर पे पड़ रही है अर्थ के सेंटर पे पड़ रही है इसलिए बराबर दिन होंगे बराबर रातें होंगी तो दिन और रात की अवधि जो है वो बराबर होगी यहां पर अगर आपसे कोई पूछे तो विंटर्स में एक जगह आपने देखा क्या एक जगह आपने देखा कि अंधेरा ही अंधेरा है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नॉर्दर्न एमोस्फेयर में अभी एक चीज बताओ सर्दियों में रातें लंबी हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं अगर नॉर्दर्न इंडिया में आप रहते हैं तो रातें लंबी हो जाती हैं और दिन आपके क्या हो जाते हैं छोटे हो जाते हैं विंटर्स में है ना लेकिन मार्च के महीने में यहां पर क्या होता है दिन दिन और और रात रात आपकी बराबर बराबर हो 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 जाती 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 है 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 क्या इसको हम क्या बोलते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं फिर इसके बाद इसके बाद आप अगर देखेंगे यहां पर तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि फिर से यहां से ये यह आगे ट्रैवल करेगा अर्थ हमारा अर्थ हमारा ट्रैवल करेगा और अर्थ में अब इस टाइम पे जो डेट है वो डेट आ जाती है क्या वो डेट आ जाती है आपकी ट्वेंटी फर्स्ट जून ठीक है 21 जून के दिन आ जाता है 21 जून आप जानते हैं भारत में योग दिवस होता है है ना तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक अब आप अर्थ का झुकाव देखिए अब अर्थ जो है वो इस तरफ झुका हुआ सन की तरफ और कौन सा पार्ट झुका हुआ है जो हमारा आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारा आप कह सकते हो अर्थ में नॉर्दर्न हेमेस्फेयर है वो झुका हुआ है है ना अर्थ में जो नॉर्दर्न हेमेस्फेयर है वो झुका हुआ है और आप यहां पर देख रहे हैं इस तरीके से कि अर्थ की जो सनरेज जो सनरेज हैं, वो सनरेज इस समय परपेंडिकुलर कहां पड़ रही है सनरेज परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, ऑन सन इज परपेंडिकुलर ओवर सन इज परपेंडिकुलर ओवर मतलब है. कहां पर सन इज परपेंडिकुलर ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस समय कहां पर है लंबवत ठीक है तो आप कहेंगे साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश पे ठीक है यहां पर ये लंबवत है ये आप देख रहे हैं यहां पर क्या है ये इस तरीके से आपको लंबवत नजर आ रहा है परपेंडिकुलर नजर आ रहा है अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको रोशनी पता चलेगी आपको रोशनी पता चलेगी कि यहां पर है साढ़े छाछ डिग्री साउथ है ना जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृद्ध अंटार्कटिक वृद्ध इसके नीचे अब आपको रोशनी नहीं नजर आएगी इसके नीचे ये हरा वाला पार्ट है ना अब उल्टा हो गया मतलब कि सदन हेमेस्फेयर में सदन हेमेस्फेयर में अब आपको क्या है अब आपको रोशनी नजर नहीं आएगी सदन हेमोस्फेयर में मतलब साउथ पोल जो है हमारा साउथ पोल साउथ पोल जो है जहां पर आपको एकदम रोशनी सनलाइट दिख रही थी अब यहां पर क्या होगा यहां पर डार्कनेस होगी यहां पर अंधेरा अंधकार होगा ठीक है जबकि जबकि जो हमारा ये वाला पोर्शन है जबकि जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन नॉर्थ पोल वाला पोर्शन नॉर्थ पोल पर उत्तरी ध्रुव पे हमेशा सनलाइट आपको नजर आएगी अगले छह महीने यहां पर आपको हमेशा सनलाइट नजर आएगी तो छे महीने का अंधेरा होता है ध्रुवों पे इसका मतलब क्या है छह महीने का अंधेरा होता है जैसे यहां आप देख सकते हैं है ना और छह महीने का उजाला होता है छह महीने का उजाला होता है अब मुझे आप एक चीज बताइए जब सन यहां पर नॉर्दर्न एमोस्फेयर पे परपेंडिकुलर है तो यहां पर मतलब गर्मी ज्यादा होगी क्योंकि सन हमारे ऊपर चमक रहा है ठीक है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस समय नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में इस समय नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में क्या मैं बोल सकता हूं कि नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में इस समय क्या होगा समर्स तो हम ये बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या होगा ग्रीष्म काल होगा उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होगा ग्रीष्म काल होगा जबकि यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं अब रेस जो हमारी सन की है वो स्लैंटिंग पड़ रही है कहां पर सर्दर्न हेमेस्फेयर में उल्टा हो गया कहानी तो अभी यहां पर क्या होगा यहां पर हमारा सर्दन हेमेस्फेर में यहां पर सर्दन हेमेस्फेयर में क्या हो रहा है सर्दन में याद रखिएगा यहां यहां पर पर विंटर्स मिल मिल रहा रहा है है आपको आपको क्या शीतकाल यहां पर आपको, यह आपको देखने को मिल रहा है ठीक है तो देखिए मौसम कैसे बदल रहे हैं मौसम कैसे बदल रहे हैं ठीक है यह केवल और केवल आपका किस वजह से हो रहा है अर्थ के इलेप्टिकल ऑर्बिट की वजह से हो रहा है और दूसरा हमारे एक्सिस के झुकाव की वजह से भी हो रहा है ठीक है लेकिन अभी आपको प्रश्न में कुछ बताने वाला हूं अभी वो भी वेट करना। अब यहां पर देखो अब यहां से अगर ये अर्थ हमारा फिर से चले ठीक है तो अर्थ चल के ट्वेंटी फर्स्ट से ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेंबर ट्वेंटी फर्स्ट और ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेंबर यह क्या हो रहा है अब हमारा सन की रेस जो है अगेन कहां पड़ रही है इक्वेटर पर पड़ रही है सन की रेस कहां पड़ रही है इक्वेटर पे पड़ रही है ठीक है तो यहां पर क्योंकि सन परपेंडिकुलर इक्वेटर पे हो रहा है तो इससे भी हम क्या बोलेंगे इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स और और यहां यहां पर पर भी दिन रात क्या होंगी होंगी बराबर ये फिर से आपका है तो दिन और रात आपकी क्या है दिन और रात आपकी यहां पर बराबर पड़ रही है दिन और रात आपके क्या है यहां पर यहां पर बराबर हो रहा है ठीक है तो इसे भी इक्विनॉक्स कहते हैं फिर इसके बाद क्या होगा ये जो है आगे फिर बढ़ेगा और आगे बढ़ के फिर से आगे बढ़ के फिर से क्या होगा सितंबर के बाद सितंबर के बाद फिर से यह वाली कंडीशन आपकी जो है यह वाली कंडीशन आ जाएगी और फिर से आपको यहां पर मौसम में बदलाव नजर आएगा तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें अगर हम लोग ओवरऑल बात करें यहां पर ठीक है अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो एक चीज हमको क्लेयरली यहां से दिख रही है एक चीज हमको क्लियरली यहां पर दिख रही है क्या दिख रहा है कि यहां पर जैसे जैसे अर्थ का मूवमेंट हो रहा है अर्थ का टिल्ट है और अर्थ का मूवमेंट हो रहा है वैसे वैसे मौसम बदल रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है वैसे वैसे हमारा मौसम बदल रहा है ठीक है तो ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए किसके बारे में अर्थ के बारे में मालूम होना चाहिए जिसके बारे में जीसी लियोंग में दिया हुआ है जिसके बारे में जीसी लियोंग में दिया हुआ है ठीक है तो ये अर्थ के मोशन के बारे में हमने बात करी आज अर्थ के मोशन के बारे में मैंने बात करी डिटेल में कल हम लोग जो है इसी फर्स्ट चैप्टर का दूसरा पार्ट है जो कि है लैटिट्यूड और इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक है उसको हम लोग कवर करेंगे ठीक है तो आज हमारा लेक्चर यहीं तक रहेगा आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे और कल का जो लेक्चर है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डे लाइन उसको जरूर देखना क्योंकि वो पूरा मैं हैंडमेड आपको बनाने वाला हूं और बताने वाला हूं जिसमें आप लोग नोट्स भी आराम से बना लेंगे तो आज के लिए दोस्तों इतना ही अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद जाके इस चैट बॉक्स में नहीं क्लास में क्लास के बाद जाके इसमें आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला लेके आता रहेगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू टेक केयर बाय